Hello everyone, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम इन दिस फर्स्ट सेशन ऑफ दिस न्यू बैच गुड मॉर्निंग morning everyone, आप सभी का स्वागत है आप सभी को नमस्कार मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुँच रही है इज एवरीथिंग ऑल राइट एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दें गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सब विशाल गंगोत्री मोहित वंदना आशा गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग एवरी वन इज़ एवरीथिंग ऑल राइट चले जी सो लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं आज का सेशन ये पहला सेशन है आ, ये सेशन कल होना था बट ड्यू टू तो सम अन अवॉइडेबल रीजन्स कल मुझे कुछ एमरजेंसी की वजह से ऑफ लेना पड़ा पूरे दिन आ, मेरी कोई क्लास नहीं हो पाई तो आज ये पहली क्लास है और ये वो कैब स्पेशल बैच है जो बैंकिंग स्पेशल के अंदर लेके आए हैं हम और इस बैच के बारे में डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है जो लोग पहली बार देख रहे हैं एक बार आपकी और जानकारी के लिए मैं बता दूं भाई एडमिशन तो खैर स्टार्ट हो ही चुका है कल आपकी पहली क्लास भी हो गई थी आशीष सर के साथ और अनुकूल सर के साथ जो लास्ट बैच था हमारा वो कंप्लीट बैच था बैंकिंग को लेकर के इन तीनों एरियाज में लेकिन इस बार का जो बैच है वो उनमें से कुछ स्पेशल एरियाज को लेकर के किया गया है फॉर ऑब्वियस रीजन बिकॉज इन पर्टिकुलर एरियाज में आपको मास्टरी की जरूरत होती है जब आप मेन्स पेपर लिखने जाते हैं और वो एरिया डी का है डेटा इंटरप्रिटेशन का है बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कलाशी सर ने डिटेल मैनर में आपको बता दिया उसी तरीके से पजल्स भी आपको रीजनिंग में परेशान करती है और अगर आप एक SSC के सी के स्परेंट हैं और आप एक तरह से अपग्रेड कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स को राइट करने के लिए तो ये सेक्शन आपको परेशान काफ़ी करता है और कल डिटेल्ड मैनर में आपने इनके कोर्स स्ट्रक्चर को भी सर के साथ समझा है कि किस डिटेल्ड स्ट्रक्चर तक हम इसको लेके जाने वाले हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक और फिर बात आती है वो की इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताने की जरूरत वैसे भी नहीं है आप सिर्फ बैंकिंग के ही नहीं किसी भी एग्जाम की बात करो जहां पे आपका इंग्लिश सेक्शन आता है वहां वोकैब की क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पहले से पता है लेकिन बैंकिंग में ये इंपॉर्टेंस बढ़ क्यों जाती है अब जैसे हम एस के मुकाबले अगर बात करते हैं तो उस लिहाज से कि आपके जो वोकैब के अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है यानी जहां वोकैब का इस्तेमाल होता, होता है वो कैब की समझ का इस्तेमाल होता है वो है फिलर्स के या क्लोज टेस्ट के तो यहां पे बैंकिंग में आपको वो कैब बेस्ड फिलर्स ज्यादा मिलते हैं प्लस उन फिलर्स की वैरायटी बहुत सारी होती है प्लस उसमें क्योंकि आई भी है और एस भी है इन बैचेस में सब कवर हो रहा है तो आईबीपीएस से एस बी आई के क्वेश्चन का लेवल बेहतर हो जाता है इन क्वेश्चन में अलग अलग लेवल की ग्रेडिंग है मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ईजी है मॉडरेट है डिफिकल्ट है वेरी डिफिकल्ट है तो उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी है और वो के एप्लीकेशन के अंदर भी है तो वो कैब की इंपॉर्टेंस को बताने की यहां पे जरूरत है ही नहीं और आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो कैब की समझ हर जगह जरूरत होती है तो आप इस बैच में यहां पे एनरोल कर सकते हैं आज की क्लास का जो एजेंडा है मैं पहले आपको वो कैब का कोर्स स्ट्रक्चर बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में था कि क्या अलग होगा इसमें तो उन सारे सवालों का जवाब आपको पहले मिलेगा और उसके बाद फिर हम अपनी पहली क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे सो तो आइए एक बार कोर्स स्ट्रक्चर पर निगाह डाल लेते हैं कि क्या किस तरीके से कोर्स डिजाइन किया है मैंने देखिये द पर्पज ऑफ दिस बैच इज टू हेल्प यू आउट इन इम्प्रूविंग योर वोकैब स्ट्रेंथ कंसिडरेबली इम्प्रूव योर वोकैब स्ट्रेंथ नॉट किन मीनिंग रटना एंड मास्टरिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूसेस थ्रू अ कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स स्ट्रक्चर दिस बैच कवर्स ऑल वो कैब बेस्ड क्वेश्चन टाइप्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न तो अब देखो वो कैब के ऊपर क्वेश्चन कई तरीकों से पूछे जाते हैं हमें सिनेम एंटनीम का या पता है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पता है या इडियम्स फ्रेजेस का पता है Uh, हमें लगता है कि वो कैब के यही एरियाज हो गए हैं uh, ऐसा नहीं है वो कैब में आप जैसे देखें होमोनीम्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो तीन तरीकों से तीन से चार तरीकों से पूछे जा सकते हैं वो कैब के यूसेज बेस्ड लाइक सिनेम एंटेमी पूछना है लेकिन उनको एक सेंटेंस में उन्होंने दे दिया और बोल्ड करके पूछ रहे हैं कि इसका सिनेम क्या है एंटनीम क्या है जबकि आप एस में देखते हो वो डायरेक्ट सिनेम एंटेम पूछते हैं तो यहाँ यूसेज बेस्ड चीजों को पूछने का ज्यादा चलन है जहां पे वो आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं और जज करते हैं तो इसलिए शब्दों को याद रखना उसके ऊपर तो पूरा फोकस होगा ही और वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच से लेकिन याद रखने से ज्यादा उसके प्रयोग की समझ होनी चाहिए क्योंकि पेपर में कोई हमसे उन शब्दों की मीनिंग नहीं पूछता तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं कहां कहां से घूम गया हां जी तो आप यहां पे अगर देख रहे हैं तो देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ दिस कोर्स तो स्ट्रक्चर पहला जो लेवल है पहला जो स्टेज है वो है वो कैब डिवेलपमेंट का यानी वो कैब को किस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो लंबे समय तक हमारे साथ बना रहे सुबह याद करके शाम को भूलने वाला काम नहीं होना चाहिए राइट तो वो कैब डेवलपमेंट हमारा पहला एरिया होगा दूसरा जो एरिया है वो वो कैब यूसेस का है और ये दोनों के दोनों एरियाज एक्चुअली ज्ञान वाले सेक्शन है इसलिए मैंने इसको नॉलेज सेक्शन लिखा है पहले हम ज्ञान लेते हैं और फिर उस ज्ञान का अप्लीकेशन करते हैं वो तो कैब को डेवलप करना और फिर वो कैब के यूसेज को कैसे बेहतर करें वो कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो हमें वर्ड्स में डिफ्रेंसिएट करने में मदद करेंगे जिन ऑप्शंस को देख करके हमें एग्जाम में लगता है यार इन चारों ऑप्शन के या तीन ऑप्शन के मतलब एक जैसे हैं मैं इनको डिफ्रेंसिएट कैसे करूँ वो पेपर के सिचुएशन में हमें समझ नहीं आता तो वॉट आर दो टेक्निकल पैरामीटर्स जो कि आपको यूसेज में मास्टर करेंगे ये भी ज्ञान वाला पोर्शन है और फिर ज्ञान लेने के बाद हमें क्या करना है प्रैक्टिस सेशन तो

और मेथड शब्दों की ब्रांचिंग को ध्यान में रखने में आपको बहुत मदद करता है क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप बात करें आपको वहां पे पर इंटेलिजेंट गेस वर्क करना होता है क्योंकि हमारे पास चार ऑप्शंस हैं एलिमिनेशन की ताकत आपके पास होनी चाहिए कि यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन ईजिली और उस आधार पर यह पी आर बहुत मदद करता है प्रेफिक्स रूट और सफिक्स वाला मैथड क्योंकि अगर आपको रूट वर्ड का मतलब पता है तो उससे बनने वाले शब्दों के मतलब का आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो गे वॉट कुड बी द पॉसिबल मीनिंग एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन सो जो हमारे वो भाई बंधु जो एस एस सी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको सीधे तौर पर पता है कि यह मेथड जो है आपको तीनों तरह के क्वेश्चन टाइप में मदद करता है कौन कौन से जो आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे जाते हैं सिनेनिम एंड के क्वेश्चन में भी आपका पी आर एस मेथड बहुत मदद करता है और स्पेलिंग्स को याद रखने में भी पी आर एस मदद करता है क्योंकि एक बड़े शब्द की क्या स्पेलिंग होगी वो उसका रूट वर्ड की अगर आपको समझ है प्रिफिक्सिस की समझ है तो आप आसानी से उस बड़े से शब्द की स्पेलिंग को याद रख सकते हैं ठीक है ठीके? अब जैसे एक, एक बहुत ही लिम सा एग्जाम्पल आपके लिए जैसे अगर यहाँ पर मैं लिखूँ मिसोजिनिस्टिकली तो ये पूरा का पूरा आप पूरी की स्पेलिंग आपको याद रहेगी प्लस मीनिंग भी याद रहेगा प्रोवाइडेड दैट रूट वर्ड का पता है आपको यहां मिजो प्रेफिक्स हो गया जिसका मतलब हेट होता है गाइन वर्ड हो गया इस्ट वो सफिक्स है जिससे आप कॉमन नाउन बनाते हो जैसे टेक्नोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट एक लगा करके आप एडजेक्टिव बना लेते हो जैसे अगर हमने कहा मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी उन है और एक लगा करके वो एडजेक्टिव बन गया एंड ही मेड पास एक टुकड़ा ये भी है पांच टुकड़े हैं और इसको हम क्या बोलेंगे यह हो गया. तो मैंने वही कहा कि तीनों तरीकों से ये आपको मदद करता है अगर कोई पूछे कि वट इज वन वर्ड फॉर अचुएशन जहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता तो वो आपको ध्यान में रहेगा कि अगर उस इंसान की बात पूछी जा रही कि वॉट इज वन वर्ड फॉर द पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट वेमेन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड मिसोजिनिस्ट इज द वन वर्ड फॉर द आइडिया वेयर यू डू नॉट रिस्पेक्ट वेमेन आइडिया इज 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 मिसोजिनी मिसोजिनी सो नाउन नाउन बट मिसोजिनिस्ट कॉमन उस सोसाइटी को क्या कहोगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी दैट बिकम्स एडजेक्टिव एंड मिसोजिनिस्टिकली इज एडवर्ब सो ये पावर आपको मिलती है रूट वर्ड से कि बड़े बड़े शब्दों की स्पेलिंग याद रहती है प्रोनाउंसिएशन का भी फायदा होता है बिकॉज किस सिलेबल पे आपको जोर देना है ये भी समझ में आता है प्रोनाशिएशन में और तीसरी बात अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पर्टिकुलर वर्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है वो आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से चूज कर पाएंगे बिकॉज मिजो का ऑपोजिट हो जाता है फिलो philo, फिलोजेनिस्टिकली तो ये यहमेंटनिम का फायदा स्पेलिंग एरर का फायदा और वन वर्ड उसका भी फायदा तो ये मेथड काफी कारगर है अब आप पूछोगे सर बैंकिंग में ये मदद करता है बिल्कुल आपको जरूरी नहीं है कि वन वर्ड पे क्वेश्चन मिले मिल भी सकता है बिकॉज ये भी बताया आपको कि जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं वो मैनेजीरियल एग्जाम्स को एक तरह से कॉपी करने की कोशिश करते हैं वहां से चीजें लेने की कोशिश करते हैं और मैनेजीरियल uh, एग्जाम में किसी चीज पर कोई बंदिश नहीं है वहां पर वन वर्ड पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैट जा आई जैसे पेपर्स में कि इसके लिए वन वर्ड क्या होगा

इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनमें आपको पेपर में मदद मिलती है जो आपको देखने में बहुत आता है वो हम डिटेल्ड मैनर में पी आर एस मेथड के अंदर करीब टेन क्लासेस खर्च करने वाले हैं उसके बाद जो अगला एरिया है वो है हमारा ग्रुप मेथड का राइट right? यहां पे अगर आप शब्दों को ग्रुप्स में लर्न करते हैं तो भी वो आपको लंबे समय से याद में लंबे समय तक याद रहेंगे रीजन बींग कि भाई हम ग्रुप तभी बनाते हैं जब उस ग्रुप के मेंबर्स में कोई बात कॉमन होती है और वो कॉमन बात हमारे दिमाग को सहारा देती है शब्दों को लंबे समय तक याद रखने में ठीक है तो ए डबल एल वाई अलाई सबको पता है अलाई पार्टनर मित्र दोस्त जिसके साथ आप अलायंस बनाते हैं ए डबल एल ओवाई अलॉय सबको पता है अलॉय व्हील्स मिश्र धातु बचपन में पढ़ा लेकिन उसी उसी ए डबल एल ओ वाई और ए डबल एल वाई के साथ मैंने एक सेशन लिया था फ्राइडे को वहां पे शायद इसकी चर्चा भी हुई थी अगर ये दो वर्ड आपके लिए नए शब्द हैं और अगर आपने इनको सीख लिया तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएंगे ये फायदा होता है ग्रुप मेथड का बिकॉज हम कोई हम शब्दों को याद रखने की बात कर रहे हैं कोई भी बात हमें याद तब रहती है जब उसके साथ हमारा दिमाग एक मेंटल एसोसिएशन एक कनेक्शन बिल्ड कर पाता है और लंबे कनेक्शन बिल्ड कर पाएगा तब तो वो कनेक्शन एसोसिएशन लंबे समय तक रहेगा तो अब हम सभी को जैसे अलॉय और अलाई का ज्ञान पहले से है ये मिश्र धातुएं हैं और ये आपका अलाई है पार्टनर है इसकी समझ आपके दिमाग को पहले से है आज अगर आपने दो नए शब्द उसके साथ जोड़ लिए इनका उच्चारण थोड़ा बहुत मिलता जुलता है बट स्पेलिंग्स अलग हैं और मीनिंग अलग है तब ये दो शब्द भी आपको लंबे समय तक याद रह जाएंगे प्रोवाइडेड दैट कि आपने इनके साथ कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन कर लिया या कुछ फ्रेज बना लिया तब ये दिमाग में रहेंगे जैसे मैंने बताया था कि माँ अपने बच्चे को अले 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 माई बेबी करके चुप करा रही है तो अले करने का मतलब होता है किसी को अपीस करना पैसिफाई करना शांत करने की कोशिश करना जबकि ए डबल एल वाई एलिज ऑफ द विलेज गांव की गलियों को यानी गलियां वो गलियां जिनके दोनों तरफ घर बने हों और जो बीच का डिवाइडिंग पैसेज है उसको हम एलीज कहते हैं तो ये पावर है आपके रूट वर्ड में और ग्रुप वाले मेथड का रूट वर्ड का तो पता लग गया आपको ग्रुप मेथड ये वोकैप डेवलपमेंट का एरिया भी हम देख रहे हैं तो इसमें हम होमोफोन्स की बात करेंगे पेरोनिम्स की बात करेंगे होमोनीम्स इनोनीम एंटोनिम्स एंड एपोनिम्स अगर मैं बात करूं शुरुआती जो हमारे पास तीन यहां पे आपको नजर आ रहे हैं यानी होमोफोन्स पैरोनिम्स और होमोनीम्स इन पे आपको बैंकिंग पेपर्स में क्वेश्चन काफी मिलते हैं होमोफोन्स और पैरोम्स से ये आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला सेक्शन है राइट ये दोनों जो है हमारे होमोफोन्स और पैरोनिम्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जबकि जो होमोनीम्स है यहां से भी थ्री टू फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जो वो कैब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं थ्री टू फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होमोनीम हम उसे कहते हैं जहां पे एक ही स्पेलिंग है एक ही प्रोनाउंसिएशन है बट अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन अलग अलग मतलब रखते हैं तो इनमें भी कई तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जैसे वो एक वर्ड दे देंगे और देर आर फोर सेंटेंसेज बाई यूजिंग दैट वन वर्ड एंड देन दे आस्क यू दैट आउट ऑफ दीज फोर यूसेज इन विच सेंटेंस द यूसेज ऑफ दिस वर्ड इज इन करेक्ट यानी एक शब्द का चार जगह पे इस्तेमाल और ये पूछा जाना कि इन चारों में से कहां इसका इस्तेमाल सही नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में हमेशा आते रहे और ये होमोनिम बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है जैसे डेट का मतलब मिलना भी होता है डेट का मतलब तारीख भी होती है और डेट का मतलब खजूर भी होता है स्पेलिंग वही है राइट right या राइट right दाया भी है राइट right अधिकार भी है सही भी है तो वन वर्ड मल्टीपल यूसेज मल्टीपल मीनिंग्स यहां पे कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आपको पता है बैंकिंग में पूछे जाते हैं कि एक वर्ड की चार डिक्शनरी मीनिंग वो एक कॉलम में दे देंगे और चार तरह के सेंटेंसेस दूसरे कॉलम में बना देंगे एंड देन दे गिव यू ऑप्शंस कि भाई किस मीनिंग का इस्तेमाल किस सेंटेंस में हुआ है राइट right? यहां से फिलर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि एक एक के अंदर दो दिए गए हैं हैं दोनों में में है बट आपके पास option में चार हैं और वो ये पूछेंगे इन चारों में से एक ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों ब्लैंक प्लेस में सूटेबल है इन क्वेश्चन बेस्ड ऑन होमोनिम्स इसीलिए मैंने कहा कि बहुत तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जो वो कैब बेस्ड है ये हमारे ज्ञान में नहीं होना चाहिए कि वोकैब का मतलब सिर्फ सिनेनीनी मेंटेनिम या वो डब्ल्यू एस को रट लेना या स्पेलिंग एरर को रट लेना यही है तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्ट्रक्चर है जो हर तरह के क्वेश्चन में आपको मदद करेगा सिनेनी में आपको समझ में आई गया ये तो हमेशा पूछा जाता है और एपोनिम्स भी एक कैटेगरी है इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे जब बैच हमारा शुरू होगा अगला जो एक मेथड है वो कैब डेवलपमेंट पर जिसको हम कहते हैं निमोनिक्स का मेथड यानी निमोनिक्स का मतलब यहां एम एन ई एम ये रूट वर्ड है निम का मतलब होता है मेमोरी यानी अपने दिमाग को कोई साउंड कोई पिक्चर कोई इमेज कोई स्टोरी का सहारा देते हैं जिसके सहारे आप उस शब्द को लंबे समय तक याद रख सकें तो उस मैथड को हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स निमोनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और उसी मेथड की एक करोलरी है विजुअल वो कैब विजुअल वुकैब जैसे हम कहते हैं जहां पे आ, किसी इमेज के सहारे आपने एक शब्द को याद कर लिया और वो वो शब्द हो सकता है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो वैसे ध्यान में रखने में बट इफ यू हैव द इमेजरी ऑफ दैट वर्ड इन योर माइंड यू कैन रिमेंबर दैट वर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो वी विल हैव ऑन विजुअल एज वेल इन दिस बैच राइट निमोनिक्स के ऊपर सेशन करेंगे जहां पे शब्दों को आप कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में इन मेथड्स पे डिटेल मैनर में चर्चा होगी और इन पे क्वेश्चंस होंगे अगला जो एरिया है वो हमारे वोकैब यूसेस का और ये थोड़ा सा अब लेवल अपग्रेड हो रहा है वो कैब में जहां पे हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करते हैं जैसे मैं कुछ शब्द अगर यहां पे लिखूँ आपने कई बार सुना होगा और शायद आपके दिमाग में हो कि ये सब आपस में आ, जो है सिनोनिमस वर्ड हैं अब जैसे परस्पीकैसियस शब्द है पर कॉन्स्पीक्यूस में क्या फर्क है कॉन्सपीक्यूस में क्या फर्क है राइट right, बहुत बार ये दोनों ऑब्वियस के टर्म में हम ले लेते हैं या आप देखें अगर हमारे पास वर्ड है फास्टीरियस फास्टीरियस है देन यू हैव पंक्टीलियस पंक्टीलियस राइट क्या फर्क है और एक और शब्द इसी कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं जानते हैं कौन सा एक और वर्ड है जो बहुत कंफ्यूज करता है और खास तौर से रिसर्च स्कॉलर्स के लिए इस्तेमाल होता है व्हाट इज दैट वर्ड एनीवन तो फास्टिडियस और पंक्टीलियस में क्या फर्क है आप क्या इसके यूसेज को समझ पाते हैं क्या ठीक है कि इनमें क्या फर्क है तो ये जो है जो यानी जो वर्ड्स हमें बहुत क्लोज लगते हैं या हमने उनको सिनोनिम के तौर पर रट रखा है उनमें क्या फर्क है क्योंकि इंग्लिश में अगर दो वर्ड हैं तो उनमें फर्क जरूर होगा इस बात को हमें क्लैरिटी से समझना है हमें एग्जाम में इसका फायदा कोई नहीं मिलने वाला कि एक वर्ड आपने रटा और उसके चार सिनोनिम रट रखे हैं आपने या चार एंटोनिम रख रखा है रट रखा है वो आपको किसी तरह से मदद नहीं करने वाला आपको मदद तभी मिलेगी व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ सिनोनिमस वर्ड्स बिकॉज एवरी वर्ड इज डिफरेंट हर शब्द अलग होता है और वो अलगाव किस आधार पे आप करोगे वो तय करने में ये चीज़ें आपको मदद करती हैं यानी जो हमारे सिनोनिमस वर्ड्स हैं उनमें कॉन्टेक्स्ट का फर्क होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप शब्द यूज कर रहे हैं या जैसे मान लीजिए अब जैसे मैंने यहां पे कॉन्टेक्स्ट की बात की है तो हमारे पास कम बोलने के लिए जैसे शब्द है रेटिसेंट और टैसिटर्न और लेकोनिक और अगर आपने बस ये ध्यान में रख लिया कि भाई इन शब्दों का मतलब कम बोलना होता है लेस स्पीकिंग के लिए लेस स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं तो आप फंस जाओगे पेपर में अगर मान लो किसी एक क्वेश्चन में फिलर का वो क्वेश्चन है जहां वो का इस्तेमाल है अब वहां पे अगर ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएं एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया चार ऑप्शंस थे बट ये तीनों कम बोलने वाले हैं और आपको सेंटेंस पढ़ के भी पता लग रहा है कि मुझे एक ऐसा शब्द चाहिए जो कम बोलने वाले के लिए इस्तेमाल हो आप इसको किस तरह से अलग करोगे ऐसे ज़्यादा बोलने वाले के लिए बहुत सारे शब्द हैं लेकिन किस तरह से वो ज़्यादा बोलता है गैरुलस कौन है वर्बोस कौन है वोसी फेरस कौन है बनाल कौन है ग्रैंडिलो क्वेंट कौन है मैग्निलो मैगनिलो क्वेंट कौन है ये सब के सब शब्द बोलने के साथ जुड़े हुए हैं कुछ कम बोलने के लिए कुछ ज्यादा बोलने के लिए राइट लेकिन ये मोटे मोटे तौर पे आप बोलते हो कम बोलने में भी अलग अलग तरह के ट्रेट्स हैं ज्यादा बोलने में भी अलग तरह के ट्रेट्स हैं तो इन शब्दों में कॉन्टेक्स्ट का फर्क होता है समानार्थी शब्दों में या आप बात करें कॉनोटेशन यानी मतलब एक ही जैसा हो सकता है बट एक वर्ड उसमें पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है अब बहुत बेसिक उदाहरण मैं आपसे आपके लिए लेता हूं जो आप सबको पता है लेकिन जब वो शब्द थोड़े भारी होते हैं तो वहां मुश्किल आती है अब इससे फेमस और नोटोरियस का फर्क आप में से सबको पता है ये सर नो फेमस और नोटोरियस का फर्क सभी को पता है कि फेमस प्रख्यात विख्यात है और नोटोरियस है है ख्याति दोनों की है। लेकिन एक की पॉजिटिव सेंस में है और दूसरे की नेगेटिव सेंस में ब्रेव और ब्रेजन जब हम कहते हैं इट्स अ ब्रेव एक्ट और ये ब्रेजन एक्ट है तो एक साहस वाला एक्ट है साहसी है और दूसरा दुस्साहसी है यानी साहसी जब आपने नेगेटिव तरीके से दिखाई आपने कुछ अमानवीय कृत्य किया दुस्साहस वहां पे दिखाया तो वहां पे ब्रेजन आ जाएगा तो इसी को हम कहते हैं कॉनोटेशन यानी मतलब एक जैसा हो सकता है दोनों में साहस के लेने देना है लेकिन एक साहस पॉजिटिव सेंस में एक जगह पे साहस नेगेटिव सेंस में है ख्याति दोनों में है लेकिन एक जगह पॉजिटिव सेंस में एक जगह नेगेटिव सेंस में है राइट तो अब जैसे हम वर्ड जो इस्तेमाल करते थे लंबे समय तक विकलांग अब विकलांग की जगह पर आप दिव्यांग यूज करते हैं ना क्यों यूज करते हैं क्योंकि विकलांग का कॉनोटेशन नेगेटिव है न,

ये बहुत मदद करता है खासतौर से फ्रेजल वर्ब के अंदर जिस फिक्सड प्रपोजिशंस के ऊपर जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनमें मदद करता है कॉलोकेशन का मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो बाई डिफॉल्ट एक साथ आता है और यह आपको एग्जाम में बहुत मदद करता है बहुत हेल्प करता है बिल्कुल सपना यूफेमिज्म अगला है डिग्री डिग्री क्या होती है भाई अब मान लीजिए आपको पता लगा कि इस पर्टिकुलर ब्लैंक प्लेस में मुझे एक पॉजिटिव शब्द चाहिए जो एग्जामिनर हैं जो पेपर सेट करने वाले हैं उन्होंने सारे पॉजिटिव वर्ड दे दी अब आप क्या करोगे अब मान लो आपको कानोटेशन का ज्ञान है आपको पता है यहाँ पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव दिया होता तो आप एलिमिनेट कर लेते लेकिन सबके सब पॉजिटिव सब दे दिए या फॉर दैट मैटर सबके सब नेगेटिव सब दे दिए नाउ हाउ विल यू डिफ्रेंसिएट वहां पर कौन सी चीज़ आपको मदद करेगी कौन सा मैकेनिज्म हेल्प करने वाला है किस एंटिटी का ज्ञान मदद करने वाला है वो टर्म है आपके पास डिग्री कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे माइल्डर डिग्री का शब्द चाहिए या हायर डिग्री का शब्द चाहिए अगर हम किसी को डिसलाइक करते हैं तो उसकी डिग्री लोअर है माइल्डर है लेकिन आप डिटेस्ट करेंगे तो आप डिग्री बढ़ गई हेट करेंगे डिग्री बढ़ रही है डिसलाइक हेट डिटेस्ट अबोर अबोमिनेट हर जगह घृणा का भाव है लेकिन जहां पे आप अबोमिनेट यूज कर रहे हो वहां आप डिसलाइक यूज नहीं करोगे तो आपको यह पढ़ के समझना पड़ेगा कि यहां पे हाई डिग्री में बात कही जा रही है माइल्डर डिग्री में कही जा रही है और फिर डिनोटेशन यानी वो शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है वो डिनोट क्या करता है और उसका कॉन्टेक्शुअल uh, मीनिंग क्या हो जाता है इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल डिनोटेशन का अगर हम यहीं पे ले लेते हैं सिलेबस का ही डिस्कशन चल रहा है डिटेल्ड मैनर में कि आपको क्लैरिटी हो जाए क्या कुछ मिलने वाला है इस बैच में अब जैसे मान लो ये दो शब्द हैं हमारे पास मुझे लगता है कि आप इसका सही मतलब बता पाएंगे मुझे डेक्स्टर और सिनेस्टर ये वर्ड जरूर आपने देखा होगा तो डेक्स्टर और सिनेस्टर यहां से शब्द निकल के आता है डेक्स्टरस ये हमारे एस वाले भाइयों को भी बिल्कुल ध्यान में है वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है कि इज द वन वर्ड फॉर पर्सन जो दोनों हाथों में कुशल हो थ्री इडियट के वायरस की तरह जो दोनों हाथों से बोर्ड पे एक साथ लिख सकते थे तो क्या है वर्ड उसके लिए इसी से निकलता हुआ शब्द एम बी डेक्स्ट्रस पहुंचता है आपके पास जहां एमबी का मतलब बोथ हो जाता है और डेक्स्टर का मतलब राइट right हैंड था यानी जिसके दोनों हाथ राइट right हैंड जैसे हैं वो एम बी डेक्स्ट्रस पर्सन हो गया सो so, द लिटरल मीनिंग ऑफ द डेक्स्टर इज राइट हैंड लिटरल मीनिंग ऑफ सीनिस्टर इज लेफ्ट हैंड ये इनके डिनोटेशन थे लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो दाएं हाथ से काम करने वाले थे उनको कुशल माना जाने लग गया और लेफ्ट हैंड्स वाले को जो लेफ्ट हैंड वाले हैं उनको बुरा माना जाने लग गया तो अब ये वर्ड कॉनोटेशन वाइज पॉजिटिव सेंस में यूज हो जाता है डेक्स्टरस जबकि जो सेनिस्टर है उसका मतलब होता है ईवल बैड राइट ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है इसी तरीके से आपके पास वर्ड है ड्रॉइट एंड गॉश ये लैटिन भाषा से आते हैं वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और उसका भी मतलब दाया और बाया हाथ था लिटरल मीनिंग वॉज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बट दैट इज अ कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन वर्ड्स बिकॉज शब्दों पे कल्चर का बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव यहां पे देखने को मिलता है कि दैट वॉज अ गॉश फेनोमिन मीन्स वॉट इवल बैड बुरा उसको बैड टेस्ट में आप लेते हो तो ये डिनोटेशन है तो ये टेक्निकल पैरामीटर से यहां बहुत सारा डिस्कशन बहुत सारे शब्दों के साथ उनकी एनालिसिस सिंथेसिस सब कुछ हम करेंगे राइट तो ये ये जो सेक्शन है ये आपके वो कैब बेस्ड फिलर्स जो अच्छे लेवल के फिलर्स हैं जो एसबीआई में आपको परेशान कर सकते हैं मेन्स के पेपर में आईवीपीएसपीओ में कर सकते हैं मैनेजीरियल एग्जाम्स में कर सकते हैं या सीजियल मेंस में वोकैब बेस्ड आ सकता है पांच क्वेश्चन जो आपको फिलर्स के मिलते हैं वहां पे तो ओवरऑल आपकी वोकैब की समझ बहुत बढ़ जाएगी ये सेक्शन आपकी वोकैब की समझ को बढ़ाने में आ, मदद करने वाला है एंड इवन इफ यू आर अ प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं कहीं पे यू आर वर्किंग हम सभी को अच्छी वोकैब की जरूरत होती है बिकॉज वेर एवर वी आर वर्किंग विद पीपल ओनली एंड वी नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल सिर्फ आई एम गुड एट वोकैबलरी आई एम गुड एट चॉइस ऑफ वर्ड्स कि भाई यहां पे इस परिस्थिति में कौन सा शब्द बेहतर तरीके से मेरी बात को कम्युनिकेट कर सकता है, आपका और दोनों काफी होता है। so way, और जो हमारा अगला सेक्शन है वो है प्रैक्टिस सेशन ज्ञान के बाद जो ज्ञान लिया उसको प्रैक्टिस करके हम पक्का करते हैं तो देखिए यहां पे फिलर्स जितने आपके पास वेरिएंट आ रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न पर सेवन टू एट टाइप्स फिलर्स क्योंकि जनरली आपको पता होता है वन ब्लैंक प्लेस का फिलर एक ब्लैंक है या दो ब्लैंक है नॉर्मल जो एग्जाम्स है हमारे उनमें यही होता है मैक्सिमम दो ब्लैंक तक जाते हैं बट बैंकिंग के एग्जाम्स में ये काफी बढ़ जाता है तो वो सारी वैरायटी आपको यहां पे देखने को मिलेगी हर तरह के डायरेक्शन हर तरह का क्वेश्चन फिर क्लोज टेस्ट राइट क्लोज टेस्ट तो हर एग्जाम में पूछा जाता है तो जो भी वोकैब बेस्ड क्लोज टेस्ट है उनकी समझ आपकी बढ़ेगी काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वर्ड स्वैपिंग ये क्वेश्चन टाइप है जो बैंकिंग में आता है हमने बड़े सारे मॉक पेपर्स सॉल्व किए हैं जो यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है और आपके ऐप पे भी अवेलेबल है तो आर पे भी आपका बैंकिंग सेक्शन का पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप जाकर के वहाँ पे क्लासेस देख सकते हैं राइट वहां पर हमने प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर्स भी सॉल्व कराए हैं आपको मॉक पेपर्स भी सॉल्व कराए हैं सो so दैट कि आपको आइडिया लगे तो वर्ड स्वैपिंग के ऊपर क्वेश्चन ईडीएम्स एंड फ्रेजेस ये भी हर जगह पूछे जाते हैं बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछने का तरीका कई तरीका हो सकता है पूछने का कई बार मीनिंग हो जाती है कई बार सेंटेंस में यूज करके पूछ लेते हैं तो वो सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन उस ज्ञान को हम यहां पे प्रैक्टिस सेशन में लेके आएंगे फ्रेजल वर्ब्स फिक्स प्रपोजिशन राइट इनके ऊपर भी सेशंस इनकी जो रीडिंग मटेरियल है वो भी आपको मिलेगी और जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से फॉरन एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया है जिसका चलन आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मैनेजमेंट एग्जाम्स में लंबे समय से आता रहा है Uh, अब आपको बैंकिंग एग्जाम्स में भी देखने को मिल रहा है इवन न्यूज पेपर जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे लैटिन वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे कुछ अगर मैं बात करूं स्टेटस को ये आपको बहुत सुनने को मिलता होगा इवन uh, लोग हिंदी न्यूज चैनल्स में भी स्टेटस को की बात कर लेते हैं यथा स्थिति जिसे हम कहते हैं या uh, क्विड प्रो को ये बहुत मिलता है खासतौर से जब आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर कि भाई मान लो किसी ने किसी को फ़ायदा पहुंचाया उन्होंने उनको फायदा पहुंचा दिया गलत तरीक़ों से सो क्विट प्रो को का रिलेशनशिप है या लीगल टर्म्स में आपको एमाइकस क्यूरे शब्द बहुत मिलता है ठीक है या कोर्ट ने इस बात का स्वतः संज्ञान लिया वॉट इज द स्वतः संज्ञान इन वन वर्ड हाँ जी बिल्कुल डिफेक्ट है डेजा वो इज सो कॉमन इवन इन अ मूवी क्या नाम था उस फिल्म का जिसमें जो वरुण शर्मा का कैरेक्टर है कि मेरे साथ होगा तो मेरे साथ डेजा चू होगा मतलब आप समझ सकते हो कितना बेसिक वर्ड है ये कि पॉपुलर हिंदी सिनेमा के अंदर वो यूज हो रहा है सो दिस इज वॉट स्वतः संज्ञान के लिए कोई बता रहा है मुझे शब्द मैं एक बार uh, मैं आपके कमेंट्स ले लूंगा मैं एक बार बता दूं फिर आपको कोई डाउट होगा पूछ लेना आप क्योंकि ये पूरा क्रम समझाना इसीलिए पहला पहली क्लास में मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं क्या ये वोकेबलरी क्लास एक साल तक पढ़ाया जाएगा अमलान जी का ये सवाल है बेटा एक साल नहीं होगा कोर्स का जो स्ट्रक्चर है ना वो आपके करीब साठ uh, घंटों का है राइट right? तो ये फिफ्टी प्लस आर्स का ये कोर्स है दो महीने आपके इसमें दो से सवा दो महीने खर्च होंगे इन सारी चीज़ों के डिस्कशन में एक साल तक कोर्स नहीं चलता वैलिडिटी होती है एक साल तक तो इस बात का ध्यान रखें कि कोर्स जो है आपका वो दो से सवा दो महीने में पूरा होगा ढाई महीने वो डिपेंड करता है ना बैच टू बैच हम क्या कर रहे हैं और जो आपकी वैलिडिटी है वो एक साल तक रहेगी अमलान तो मुझे लगता है अभी मैं बताता ये सारी वैलिडिटी की सारी जानकारी आपको दूंगा डोंट वरी

ेंच राइट ग्रीक जर्मन ये सारे के सारे भाषाओं के शब्द आपको इस बैच में यहां पर मैं डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट वन है और बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेंटेंस के यूसेस के साथ इट्स नॉट अबाउट जस्ट मीनिंग देखो ये चीज दिमाग में डाल लो आप वर्न एवर यू लर्न अव वर्ड ऑलवेज ट्राई टू मेक सेंटेंसेज हमेशा यूसेस पर ध्यान दीजिए यूसेज के साथ ही दिमाग कनेक्ट रखेगा मीनिंग नहीं याद रख पाओगे आप ऐसे और ना तो कोई एग्जाम में आपसे मीनिंग पूछता है ठीक है बिल्कुल बेसिक से ही होगा आदित्य इसीलिए बेसिक का ही ये स्ट्रक्चर है बेटा सब आपको बता रहा हूं मैं ये लिस्ट ऑफ फोबियाज और मैनियाज ये बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं फोबियाज का मतलब डर और मैनिया का मतलब पागलपन राइट तो इनकी समझ होनी चाहिए राइट इनके इनके भी बहुत इस्तेमाल आपको देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने कोशिश करी है कि उसमें कोई छूटे ना तो ये सब भी आपको मिलेगी वन वर्ड सब्सिट्यूशन डब्ल्यू एस रूट वर्ड के ही ऊपर आधारित होता है तो इनके ऊपर भी हम क्वेश्चन और सेट्स सॉल्व करेंगे पूछा जाए ना पूछा जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग राइट बट उससे फायदा होगा एक तरह से आपके रूट वर्ड के रिविजन का बड़ा अच्छा तरीका होता है वन वर्ड सब्सिच्यूशन कि आपने रूट वर्ड पढ़ लिया समझ ले ली तो यह टेस्ट करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि वन वर्ड से आपको याद है या नहीं याद है कनेक्शन आप बिल्ड कर पा रहे हो या नहीं और फिर लास्ट में होगा मिसलेनियस वो कैप बेस्ड प्रैक्टिस सेशन और यहां पर मान लीजिए कम से कम हम फाइव सेट्स करने वाले हैं जहां पे एक तरह से पूरे ज्ञान का इस बैच का निचोड़ होगा और जितने भी वो कैब बेस्ड क्वेश्चन पॉसिबल हैं और सिर्फ हम बैंकिंग की बात नहीं उस उस पैटर्न पे भाई एनॉलॉजी बेस्ड क्वेश्चन तो आपके यूपीएससी में ही पूछ लिए जाते हैं वो मैनेजमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं फर्क का फर्क होता है सिर्फ लेवल के डिफरेंस का तो यहां पे हर तरह की वैरायटी आपको जो वो कैब के बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सब यहां पर मिलेंगे मिसलेनियस प्रैक्टिस सेशन में राइट तो अब मैं आपको एक बार जो और बेसिक जानकारी वो बता दूं देखिए ड्यूरेशन की अगर हम बात करें ड्यूरेशन की बात करें तो ये करीब आपका आ, टू मंथ्स का बैच होगा ठीक है ना टू मंथ्स प्लस होगा मतलब हो सकता है ढाई महीने का हो टू टू टू, टू पॉइंट फाइव कर सकते हो और जो वैलिडिटी है कोर्स की वो एक साल की है राइट दिस इज वन ईयर तो इसका मतलब कि आप जो भी कुछ आपके पास क्लासेस होंगी अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं क्लास की टाइमिंग 11 से साढ़े बारह है अगर आप इस लाइव टाइमिंग के दौरान नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को क्लास देख सकते हो राइट तो अब उसके बाद भी आप देखो तो एक साल की वैलिडिटी है तो पूरे साल आपके पास रहेगा यानी अगर आप लिटरली एक लर्नर हैं सीखना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला अगर आप बिजी भी हैं तो एनरोल कर सकते हैं राइट उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्लासेज जो होंगी आपकी ग्यारह बजे से लेकर right? के राइट ट्वेल्व थर्टी के करीब होंगी और ये फाइव डेज अ वीक होती हैं, फाइव डेज पर वीक ये पूरा का पूरा इस बैच का स्ट्रक्चर है और कहाँ क्लास मिलेगी आपको उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा करियर विल ऐप ठीक है करियर विल ऐप में जाइए वहां बैंकिंग सेक्शन में आपको ये बैच दिखाई देगा और आप इनरोल करेंगे लेकिन इस बार जो बात अलग है बहुत सारे बच्चे वो कैब के अलग से डिमांड कर रहे थे आपको पता वो क्या स्पेशल बैचेस करियर विल ऐप पे मेरे आते रहे हैं लेकिन इस बार आपको फोर्टीन के अंदर ये तीनों बैचेस मिल रहे हैं क्योंकि बैंकिंग के अंदर मैं लेके आ रहा हूं तो ये आपके लिए सहूलियत है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं तो जो हमारे एक्पेरेंट्स हैं या जो एस्पायर करते हैं कि नहीं आगे जाके वो प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंकिंग के और मैं बार बार कहता हूँ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो बैंकिंग में नौकरी जल्दी मिलती है राइट तो हमारे ऊपर जब एक प्रेशर होता है फमिलियल सोसाइटल तो वहाँ एक नौकरी की ज़रूरत होती है कि एक नौकरी मिल जाए फिर आपके आगे का जो लक्ष्य है वो आप पूरा कर सकते हैं तो उस लिहाज से ये बैच आपको बहुत मदद करेगा क्योंकि डी और पज़ल का जो एरिया है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर वो एक बैरियर का, का काम करता है क्योंकि वो नया एरिया है उसमें थोड़ा थोड़ी सी डेफ्थ ज़्यादा आपको लेके आनी पड़ती है तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ये बैच कवर हो रहा है और तीनों का की कंबाइंड जो फीस है वो फोर्टीन नाइन नाइन है जो ऑफर डेज है आई थिंक कल तक है उसके बाद वो बढ़ जाएगी तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं आप सो so, तो ये तो बात हो गई भाई कोर्स स्ट्रक्चर के डिटेल की अब कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं नहीं तो आज फिर मैं अब ज्ञान का सेशन शुरू कर रहा हूं इंट्रो क्लास विकी पटेल पूछ रहे हैं बैंकिंग फाउंडेशन विकी ये जो है ये वो के ऊपर है बैच ठीक है ना बैंकिंग फाउंडेशन में बहुत सारे और एरियाज है ना आपके तो यहां आप ग्रामर नहीं पढ़ रहे होंगे ना ये वोकैब का बैच है तो फाउंडेशन वाला बैच फिर आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा जो कंप्लीट बैच आता है ये एरिया वाइज स्पेसिफिक बैच है तो ये ध्यान में रखेंगे आप क्योंकि अच्छे लेवल के वोकैब की जरूरत है फाउंडेशन बैच में इस डिटेलिंग तक थोड़ी वोकैब में लेके जाऊंगा अगर मैं यहां पे आपको कह रहा हूं कि ये क्लास आपकी कुछ पचास पचपन घंटों की होगी ये वोकैब का सिर्फ पोर्शन होगा इतना तो अगर आप फाउंडेशन बैच में इसको इंक्लूड कर लें तो पूरा बैच हमारा 120-130 घंटे का हो जाएगा तो क्या कहीं पे बैंकिंग में 130 घंटे का बैच चलता है नहीं चलता है तो फॉर ऑब्वियस रीजन क्योंकि जब आप वहां पे भी आप फाउंडेशन बैच में भी वो कैप करते हैं वहां पर भी फिलर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है बट हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक होता है कि वो ज्ञान जो एक लेवल तक काफी और फिर उसमें थोड़ी सी गहराई तो ये बैचेस आपकी तैयारी को गहराई देंगे और प्लस ये सिर्फ बैंकिंग तक मैंने कहा कि सीमित नहीं है ये इतना कॉमन सेंस हम सभी के पास है ठीक है सो आइए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं आज पहली क्लास है इंट्रो क्लास और जब भी हम कोई नई पढ़ाई शुरू करें जैसे आप देखते हो ना बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर खास तौर से हमारे ये जो आई आई टी जेई वाले हैं या पी एम टी वाले हैं ये एडमिशन लेने से पहले आपका एक टेस्ट लेते हैं कि अच्छा हाँ बच्चे का क्या नंबर आ रहा है उस पर फिर वो अलग अलग तरह के आपको ऑफर देते हैं आ, राइट फीस आपकी कुछ कम हो सकती है तो पहला जो दिन होता है उसमें ये भी जानना बहुत जरूरी कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ वो कैब के यूसेस के हवाले से तो आज की क्लास में मैंने बिल्कुल कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन दिए हैं और कुछ बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू कर रहा हूं जरा ध्यान से इस बात को सुनिएगा फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आज की क्लास में बहुत मजा आएगा अभी तक तो हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे देखो वो कैब जब हम बात करते हैं वो कैब की तो वो कैब किस लेवल पे आप हैं या आपका चैलेंज किस लेवल का है ये समझना बहुत ज़रूरी है अब हमारे में से कुछ भाई बंधु ऐसे भी हो सकते हैं मैं पहले वो कैब चैलेंज की बात कर रहा हूं कि आपकी क्या किस लेवल पे आप फंसे हैं और क्या आपकी दिक्कत है इसमें भी कई लेवल होते हैं अब लेवल वन वाली दिक्कत किन लोगों के हैं मैं यहां पे कुछ शब्द लिखता हूं और अगर आपको ये दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है अब जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहां पे शब्द लिखा वर्ड इज एनर्जी एंड वर्ड इज एनर्जाइज एंड वर्ड इज एनर्जेटिक राइट right. आपको अगर पता है कि इनमें क्या फर्क है अगर मैं एक सेंटेंस में इनको पूछ लूं और आप इसको जस्टिफाई कर पाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ये लेवल वन है यहां पर भी बहुत सारे मासूम घायल होते हैं और ये सबसे बेसिक लेवल होता है यानी जहां पे वर्ड तो एक ही है बस उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल में फर्क किया गया और आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखूं कि ही हैज ही हैज एन ब्लैंक प्लेस पर्सनैलिटी ठीक है अब आप ये यहां पे भी अगर सही वर्ड ना चूज कर पाओ चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं एबीसी किसके साथ जा रहे हो सब सही जाओगे बट मैं एक उदाहरण के लिए बात कह रहा हूं इसमें भी लोग घायल होते हैं और जो एसएससी में एमटीएस लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इसी तरह का होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस टी लोएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी जिसमें हम बात करते हैं कुछ इसमें भी घायल हो जाते हैं कि उनको बस लगता है कि सब सबका मतलब तो ऊर्जा है ये सब ये लेवल वन है सबसे निचला लेवल है वो कैब की समझ का और ये सब सही करेंगे मुझे पूरा भरोसा है राइट यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैलकट ही है क्योंकि एनर्जेटिक जो शब्द है वो क्या है वो एडजेक्टिव है एनर्जाइज वर्ब है और एनर्जी नाउन है यहां पर्सनैलिटी खुद अपने आप में नाउन है नाउन से पहले हमें किसकी जरूरत है एडजेक्टिव की जरूरत है जो कि यहां पर एनर्जेटिक होगा अब जिनको क्लैरिटी नहीं है वो ये भी कह सकते हैं सर मैंने तो बचपन से ये पढ़ा कि भाई आ, आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो नाउन के पहले होता है सर एनर्जेटिक एडजेक्टिव है तो आर्टिकल कैसे लग गया तो इसीलिए अगर आपके मन में इस तरह का भाव है कि ग्रामर एक अलग चीज होती है वो कैब अलग चीज होती है और कोई अगर ऐसा कह रहा है कि मेरी ग्रामर अच्छी है बट वो कैब अच्छी नहीं है या वो कैब अच्छी तो ग्रामर अच्छी नहीं है वो बेचारा बहुत मासूम है अंग्रेजी कहते हैं ना या तो आती है या नहीं आती है आपकी अच्छी होंगे तो दोनों एरियाज अच्छे होंगे नहीं तो नहीं अच्छे होंगे और उस अच्छे के भी अलग अलग पैरामीटर है ना कि किस लेवल के अच्छे की बात कर रहे हैं आप मतलब अगर आप इस लेवल पर कह रहे हैं नहीं, मेरी वो कैप कमजोर है बट ग्रामर अच्छी कौन सी ग्रामर अच्छी भाई यहां पे ग्रामर के आधार पर अगर पूछा गया कि भाई ये एन लगा हुआ है यहाँ पे और एनर्जेटिक आपको साफ नजर आ रहा है कि एडजेक्टिव है तो क्या आर्टिकल हम एडजेक्टिव से पहले लगा सकते हैं तो आप चुप नहीं हो गए सवाल का जवाब दोगे कि नहीं सर एनर्जेटिक जो शब्द है ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है ये वर्ड एडजेक्टिव है और ये पर्सनालिटी नाउन है एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके बन गया नाउन फ्रेज और हम आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन से पहले भी कर सकते हैं और नाउन फ्रेज से पहले भी कर सकते हैं तब आपको ये कहा जाएगा कि आपको ग्रामर की समझ है यहां हम नाउन के नियम रटने वालों को ग्रामर की समझ नहीं बोलते समझ बोल रहा हूं मैं अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द दार्ट ऑफ स्पीच तो इस बात को जरूर समझें जो लेवल वन की मैं बात कर रहा हूं जब वोकैब चैलेंज की देन आई एम रेफरिंग टू द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ वोकैबलरी बिकॉज इन लॉट ऑफ एग्जाम जो ग्रामर जो वोकैब आपको क्वेश्चन मिलते हैं फिलर के उनमें ग्रामर का ज्यादा योगदान है अब जैसे एस एस सी एग्जाम की बात करोगे तो वहां पर ग्रामर के समझ ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है क्लोज टेस्ट में भी आप देखो या फिलर्स में आप देखो तो अगर क्लोज टेस्ट में भी पांच सेन्स में, में, में मिल रहा है ना तो उसमें से तीन सेट हो सकता है आपको ग्रामर बेस्ड ही मिल जाए हु विच दैट ये लिखा हुआ है वहां पे या लिटिल लिटिल द लिटिल फ्यू इस तरह के वर्ड्स दिए गए हों वो कैब के कम सेट्स मिलेंगे लेकिन वहीं पे जब बैंकिंग में जाओगे तो वहां वो कैब का अप्लीकेशन जाता है इसीलिए मैंने कहा ये सबसे निचले स्तर का चैलेंज है और अगर आपको यहां पे भी दिक्कत होती कि आप वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं पहचान पाते व्हाट इज द पीओएस पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट वर्ड तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कोई आपसे वर्ड का मीनिंग नहीं पूछता है कि हम उसकी हिंदी मीनिंग रट के बैठे हुए हैं या ना तो कोई ये कहता है कि इसके चार पर्यायवाची शब्द लिखें आप स्कूल में तो आप है नहीं चार ऑप्शंस में से एक पर्यायवाची चुनना है और यहां पे सही शब्द का इस्तेमाल उस फिलर में करना है तो इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ द वर्ड या ब्लैंक प्लेस देख के मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड चाहिए यहाँ पे तो आप कैसे चूज करोगे ठीक है तो सबसे पहले तो इस लेवल पे अपने आप को आप दुरुस्त करेंगे ये लेवल वन ऑफ चैलेंज है और ये मोस्टली ग्रामर का चैलेंज है इसको हम वोकैब का चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कहेंगे अब जैसे कुछ और इसी तरह आधार पर अगर हम शब्द लिखते हैं अब जैसे बहुत सारे लोगों को ना सक्सेस और <clears throat> सक्सीड और सक्सेसफुल इनमें फर्क नहीं समझ में आ पाता है इसमें फर्क नहीं समझ में आता कि सक्सेस क्या है सक्सीड क्या है सक्सेसफुल क्या है या स्ट्रांग क्या है स्ट्रेंथ क्या है इंटेलिजेंस yeah, क्या है ग्रामेटिकल प्रोफाइल की समझ होनी चाहिए नहीं होगी आप सही तरह से शब्द को प्लेस नहीं कर पाएंगे तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और जो सबसे पहला सेट मैंने क्वेश्चंस का दिया है वो इसी के ऊपर है तो जो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं देर आर फाइव क्वेश्चन बट फाइव क्वेश्चन के लिए थर्टी सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं है जरा सॉल्व करके देखो चलो एक मिनट दे देता हूं क्वेश्चन है यहां पे इसीलिए मैंने एक स्लाइड में लगाया है एबीसीडी बिल्कुल सही जवाब चाहिए और एक ही रूट वर्ड का शब्द दिया है मैंने हां जी आंसर इट मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा तब तक सही बताना <clears throat> एक ही रूट वर्ड का इस्तेमाल करके मैंने पांच सेंटेंस दिए हैं और ये सारे सेंटेंस आपके शब्द की ग्रामेटिकल प्रोफाइल की समझ को टेस्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक लेवल का चैलेंज और हम आज देखेंगे कि हम बेसिक लेवल में कितने बेहतर हैं प्रियंका पूछ रहे जब आप नेक्स्ट बैच फाउंडेशन लाएं तो उसमें जीए और कंप्यूटर भी इंक्लूड करें बिल्कुल जो अगला बैच आपको दिसंबर में मिलेगा ये तो नवंबर में शुरू हुआ बर में जो बैच मिलेगा ना वो मेंस के लिए मिलेगा क्योंकि प्री के एग्जाम्स आपके हो चुके होंगे और मेंस में ये सारे एरियाज आते हैं तो उसमें हम लेके आएंगे जरूर और अगले फाउंडेशन में भी अब करियर विल पे बैंकिंग की डेडिकेटेड टीम है जहां हर महीने आपको बैंकिंग के बैचेस मिलेंगे चलिए जी तो आंसर कर लिया आप में से काफी लोगों ने बिल्कुल 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 हाउ विल यू सर्वाइव कुछ और हो सकता है बताओ मुझे सर्वाइवल सर्वाइव सर्वाइविंग एंड रिवाइवल ये बहुत सारी स्टेट लेवल एग्जाम्स जो है हमारे मैंने कहा ना बिल्कुल जो मॉडरेट लेवल एग्जाम से मासी एग्जाम हैं, हैं जिनमें बहुत संख्या में लोग जाते हैं जिसमें अंग्रेजी का लेवल उतना हाई नहीं होता वहां ऐसे फिलर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं ये बेसिक लेवल है कि हाउ विल यू के बाद आपको वॉब चाहिए और वॉब सिर्फ यहां पर सर्वाइव है revival शब्द भी नाउन है survival भी नाउन है और यहां तो v1 प्लस ing लग गया और will के साथ अब v1 प्लस ing तो लगा नहीं रहे होंगे verb के तौर पे तो how will you survive in these extreme conditions तुम इन एक्सट्रीम कंडीशंस में किस तरीके से सरवाइव करोगे अगला है his is very infectious is is very infectious अब यहां हिज का इस्तेमाल हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव है इसका मतलब यहां पे हमें किसकी जरूरत है नाउन की यहां किसकी जरूरत थी verb की अब यहां देखो वाइटल कन्वीवियलिटी कन्वीवियल ये वर्ड भी आपका ADJ है एडजेक्टिव है ये वर्ड भी एडजेक्टिव है और ये वर्ड भी एडजेक्टिव है वैसे वाइटल जो है वो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है लेकिन जैसे आप यूज करते हो वाइटल डिटेल्स वाइटल इंफॉर्मेशन तो एडजेक्टिव के तौर पर वाइटल्स हमें देखने को मिलता है जैसे हॉस्पिटल्स में अभी कोविड का नया वेरियंट की सूचना मिल चुकी है आपको पिछले दो दिनों से पूरी चर्चा है सतर्क रहिए जहां भी रहिए तो वहां पे जब किसी के अंग गड़बड़ होने शुरू होते हैं इंसान हॉस्पिटलाइज है तो हम क्या कहते हैं उनके वाइटल्स बहुत गड़बड़ हो चुके हैं यानी जो मुख्य अंग हैं शरीर के वो काम करना बंद कर रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वाइटल वहां पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है या किसी कंपनी की भी जो डेटा होता है जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हो ये बता रहे हैं कि कंपनी अच्छा कर रही खराब कर रही है तो कंपनी को वाइटल्स बोला जाता है तो वाइटल भी नाउन के तौर पे। बट यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं यहां सी फॉर कैलकाटा करेक्ट ऑप्शन है ये नाउन का शब्द है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि हिस कन्वीवियलिटी इज वेरी इन्फेक्सियस कन्वीवियल शब्द एडजेक्टिव है फुल ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं और कन्विवियलिटी जो है वो नाउन बन गया कि उसकी जो जीवंतता है वो बहुत इन्फेक्सियस इन्फेक्सियस है इसका मतलब वो इंसान की पर्सनैलिटी में इतना चार्म है कि जब जहां वो जाता है लोग उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ महसूस करते हैं सो हिज कन्विवियलिटी इज वेरी इन्फेक्सियस अगला शब्द है शी शेयर्ड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफर एक्सपीरियंस अब यहां पे डिस्क्रिप्शन नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव चाहिए और वो है विविड डिस्क्रिप्शन ये वर्ड आपने बहुत सुना पढ़ा है बहुत पेपर में आया हुआ है ठीक है सो दैट इज कॉल्ड विविड डिस्क्रिप्शन सजीव वर्डन जैसे हम कहते हैं जीवंतता से भरा हुआ सो विविडली एडवर्ब है विवेशियस एडजेक्टिव है वाइटलाइज आपका वर्ब हो गया this initiative of yours will this project will के बाद क्या लेके आओगे भाई will के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आओगे vitalize ये वर्ब है will vitalize this project यानी ये जो तो तुम्हारा इनिशिएटिव है ये इस प्रोजेक्ट में जान फूकेगा इसको vitalize करेगा और git is a vivacious lady यहां पे लेडी के पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए था vivacious का मतलब हो गया फुल ऑफ लाइफ अब ये सारे के सारे शब्द किस रूट वर्ड के ऊपर आधारित है मैं वही आपको समझाने लगा था कि भाई देखो क्या पावर आपको मिलती है वी आई वी जो शब्द है या वी आई टी जो है इस रूट वर्ड का लेना देना जुड़ा हुआ है किसके साथ लाइफ के साथ और भरपूर शब्द हमें यहां से मिलते हैं जो वर्ड हमने यहीं पे लिखे हैं वाइटल रिवाइटल राइट ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज कर दो वाइटलाइज करना वाइटलाइज करना राइट right? फिर रिवाइव और रिवाइव से ही रिवाइवल बस वी ए एल कर दिया आपने रिवाइवल कर दिया तो वो नाउन बन गया रिवाइव सरवाइव सर्वाइव और सरवाइवल और फिर वाइटमिन vitamin, वाइटमिन वहीं से आता है और फिर यहीं से आता है शी इज अ अवेशियस लेडी फुल ऑफ लाइफ यहीं से आता है कन्वीवियल अब देखो ये कन्वीवियल जो शब्द है हमारा कन्विवियल यहीं से कन्विवियलिटी कर दिया आपने आई टी वाई कर दिया एल के बाद तो नाउन बन गया यहाँ पे विवेसिटी कर दिया तो नाउन बन गया अलग ही थोड़ी राइट यहीं पे शब्द आ जाता है बीबी पैरस जो बच्चे पैदा करने वाले जीव जंतु हैं बीबी पैरस राइट यहीं से आपके पास शब्द आता है वाइवला बहुत सारे फॉरेन एक्सप्रेशंस भी हैं राइट जॉय डी फॉरेन एक्सप्रेशन है joy of life, French word है। और अभी बहुत सारे शब्द हैं vivarium जैसे आप हर्बेरियम विवास, so, get फ्रॉम वन रूट वर्ड ये पावर यहाँ पे आपको मिलती है ठीक है ना बॉर्न बिवॉन bon, एक बड़ा प्यारा फॉरेन एक्सप्रेशन का वर्ड है बॉर्न bon, बिवॉन यानी जो इंसान बहुत ही लग्जूरियस लाइफ लीड करे अच्छी लाइफ गुड लाइफ तो पावर मैं आपको जो समझा रहा था कि रूट वर्ड से यह पावर आपको मिलती है कि एक रूट वर्ड अब आपको पता है कि ये सारे के सारे शब्द कहीं ना कहीं जीवन से संबंधित हैं राइट right? जीवंतता से जीवन से फुल ऑफ लाइफ से सो so, पावर है रूट वर्ड की और प्लस ग्रामेटिकल एस्पेक्ट की हमने यहां पे बात की अब हम चलेंगे थोड़े से अगले लेवल की तरफ अगले लेवल ऑफ क्वेश्चंस की तरफ अब देखो यहां पे अब आपको जो मिल रहा है ये वो बेसिक लेवल नहीं है ये एमटीएस वाला लेवल नहीं है ये हो सकता है कि मतलब आपको सी एच एस एल में अगर कहीं वो कैब बेस्ड मिल जाए सी सी एल में मिल जाए सी पी ओ में मिल जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं वो कैब बेस्ड राइट right? आपको प्री के पेपर्स में मिल जाए आई बी पी एस पी ओ के प्री में क्लर्क में उस लेवल के ये क्वेश्चन है जहां पे अब चारों शब्द अलग अलग मतलब के हैं पहले में क्या था सब पता था सब लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं बट उसमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल का फर्क था आप वहां से आसानी से क्वेश्चन कर ले रहे थे यहां पे अब ग्रामेटिकल प्रोफाइल वाली सिर्फ बात नहीं है यहां पे चारों शब्द भी अलग हैं और यहां आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ये लेवल टू का चैलेंज होता है क्योंकि तो जब हम फिलर और क्लोज टेस्ट मैं बार बार ये बात कह रहा हूं क्योंकि फिलर और क्लोज टेस्ट तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां वो का यही चैलेंज है कि भाई आपको फिलर में मिलेगा वो का इस्तेमाल क्लोज टेस्ट में मिलेगा तो क्या पढ़ करके आप सही ऑप्शन चूज कर पाते हो चलिए जी एक मिनट का टाइम देता हूं इन तीन क्वेश्चन के लिए एंड देन विल हैव द डिस्कशन जी बाइबल लॉ का मतलब होता है लिव लॉन्ग ये डिस्कस करेंगे हम रूट वर्ड्स में डिस्कस करूंगा मैं आज पहली क्लास है ना इंट्रो क्लास है ये सारे रूट वर्ड डिस्कस होंगे डोंट वरी मैं सारे मीनिंग्स आपको नोट कराऊंगा उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे रिचा ये प्री प्लस मेन्स है बच्चे बता तो दिया बेसिक से एडवांस है तो ये प्री प्लस मेन्स है और ज्यादातर तो मेन्स के लिए है ज्यादातर मेंस के लिए उपयोगी है वो कैब तो खैर प्री हो मेंस हो हर जगह जरूरी है लेकिन मेंस में लेवल जब बढ़ेगा वो कैब का तो वहां ज्यादा जिनकी वो कैब थोड़ी कम है प्री में हो सकता है नैया पार हो जाए लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं तो वो कैब की बेहतर समझ चाहिए हो सकता है आपके सेट में पैंतीस क्वेश्चन में पंद्रह क्वेश्चन फिलर से आ जाए या हो सकता है पंद्रह क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट ही मिले तो आप क्या करोगे वहां पर तो ये हमने इसी को ध्यान में रख करके ये बैच लाने में डिले भी इसी लिए हुआ क्योंकि आपके प्री के पेपर्स चल रहे थे अब प्री के बाद आप सब मेंस के लिए जा रहे हो और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बैंकिंग का स्ट्रक्चर जानते हैं उन्हें पता है कि भाई मेंस में डीआई पजल और वोकैब का रोल बढ़ जाता है दैट इज वाई वी हैव कम अप विद दिस बैच कि आपकी एक्सटेंसिवली ज्ञान बढ़े और प्रैक्टिस करें आप चलिए जी तो टाइम एक मिनट का पूरा होता है आइए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट इट सेज इन मेनी कंट्रीज द इन पे फॉर मैन एंड वेमेन इज क्वाइट कॉमन फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी women आर पेड 21 less परसेंट लेस to men, टू right. So, राइट सो एक बात हमें समझ आ गई कि द लगा हुआ है इसका मतलब यहां पे हमें नाउन चाहिए ये आर नो लेकिन मैंने वही कहा कि इस लेवल पे आकर के बहुत ज्यादा ग्रामर मदद नहीं करेगी अगर आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल पे देख रहे हैं तो यार नाउन तो सारे हैं ठीक है नाउन ये सारे के सारे वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन ही है इसका मतलब कि यहाँ सेंटेंस को पढ़ के आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि यह क्या कह रहा है तो क्या कहना चाह रहा है क्या कहना चाह रहा है कि बहुत सारे देशों में महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो पेमेंट की का क्या है गैप होगा डिस्पैरिटी इज़ द राइट वर्ड पैरिटी का मतलब क्या होता है बराबरी जिसको हम कहते हैं ना एक्ट पार एक्ट पार या एक फॉरेन एक्सप्रेशन आता है पार एक्सलॉ तारीफ में लोग बोलते हैं इट्स अ पार एक्सलेंस परफॉर्मेंस बट दैट इज नॉट पार एक्सेलेंस पार एक्सलॉ सो पैर का मतलब बराबर एक्सेलेंस के बराबर एनी anyway, तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो जाए कि जहां पैरिटी ना हो जो असमानता हो तो यहां पे डी करेक्ट ऑप्शन है कि इन मेनी कंट्रीज द डिस्पैरिटी इन पे फॉर मेन एंड वुमेन इज क्वाइट कॉमन यानी महिलाओं और पुरुषों के पेमेंट में असमानता है फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के अंदर महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले 21% परसेंट लेस पे की जाती हैं उसी काम के लिए तो अब देखो जो सिंगल फिलर होता है ना वन ब्लैंक वाला फिलर उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है डबल फिलर में कई बार होता है कि आप कंपेयर करके एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच सकते हो बट सिंगल फिलर के क्वेश्चन में अगर आपको मान लो वर्ड्स का मतलब नहीं पता या जो लिखा गया वहां से आप डिड्यूस नहीं कर पा रहे कि मुझे किस मीनिंग के लिए चाहिए तो वहां दिक्कत होती है क्वेश्चन के अंदर खुद ही छुपा होता है आंसर जैसे यहां पर जब लिख दिया फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब जो फॉर एग्जाम्पल में लिखा है वो आपको मदद करेगा सही वर्ड को चूज करने में ये तरीके हैं क्वेश्चन को कि ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो पहले परेशान मत हो जाओ कि यार क्या आ गया अब तो वो कैप बेस्ड है मेरी तो वो कैप बहुत अपने बैगेजेस हटा दो जो भी पास्ट था वो हटा दो आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ये तैयारी सबके लिए एक जैसी होती है कोई बहुत पढ़ा लिखा हो वर्क एक्सपीरियंस हो और कोई हो सकता है बिल्कुल प्रेशर हो या जिसकी ग्रेजुएशन चल रही हो या जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ सब बराबर लेवल पे होते हैं हमसे पूछो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का हर तरह के लोगों का दस साल हो गए लगभग तो इट्स नॉट अबाउट कि वो इस बैकग्राउंड से आता है मेरा ये कमजोर था सभी के लिए तैयारी का एक अलग अप्रोच होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप एकेडमिक्स में कैसे थे ये इस बात की गारंटी नहीं करेगा कि आप यहाँ पर भी अच्छे होंगे बहुत सारे लोग एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते आपके आसपास भी ऐसे उदाहरण होंगे शायद स्कूल के दिनों में वो उतने अच्छे ना हो लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और बहुत ऐसे भी होंगे जो स्कूल के दिनों में आपके पास बड़े अच्छे होंगे तो उस मित्र लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई है सर नो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि नहीं है आसपास तो इसीलिए कोई भी पास्ट का बैगेज अपने मन पे मत रखिए एक नए अप्रोच से क्वेश्चन को करने का तरीका सीखिए और इसीलिए एक बहुत ही ग्रेडेड पैटर्न में लेवल वाइज में चीजें आपको यहां पर बता रहा हूं पहला लेवल बताया बिल्कुल बेसिक था जहां ग्रामर के एस्पेक्ट की बात थी अब यहां थोड़े समझ की बात है तो बिल्कुल आराम से पढ़ो कहीं कोई टेंशन नहीं होगी आपको अगला देखिए फॉलोइंग डिटेल्ड डेलीबरेशन द मीटिंग हैज बीन टिल नेक्स्ट वीक का मतलब क्या होता है डिटेल डेलीबरेशन यानी काफी चर्चा परिचर्चा के बाद मीटिंग हैज बीन प्रपोज एडजर्नड रिव्यूड एंड कैंसल्ड टिल नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है अब यहां पे जैसे मैंने अभी क्या कहा था एक टर्म की बात हमने की थी यूसेज में कॉलोकेशन कॉलोकेशन यानी शब्दों का वो समूह जो एक साथ आता है चाहे कोर्ट हो मीटिंग हो वो एडजर्न होती है स्थगित होती है अगले समय तक तो नेक्स्ट वीक तक वो स्थगित है वो एडजर्न है यहां आप कैंसल्ड के साथ नहीं जाओगे कैंसल का ही मन करेगा प्रपोज और रिव्यूज का तो कोई मतलब ही नहीं है ठीक है ना प्रपोजल पहले होता है यहां पर यह अच्छा वो चीज पहले से प्रपोज थी निर्धारित थी लेकिन उसको अब टाल दिया गया है अगले हफ्ते तक तो ना तो यहां प्रपोज तो आएगा ही नहीं और रिव्यूड का अगेन कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आपने इनको एलिमिनेट कर लिया अगला है सी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली एज शी इज अ वेरी एक्टर और अगेन अब यहां पर देखो रूटवर्ड की समझ का इस्तेमाल हो रहा है क्या होगा करेक्ट वर्ड यहाँ पे करेक्ट वर्ड है आपके पास वर्सेटाइल और आपने सुना पड़ा भी होगा वो क्या करता है वो हर तरह के गाने गा सकता है हर तरह के रोल निभा सकता है और यहां पर रूटवर्ड क्या है यहां पर रूटवर्ड है आपके पास वीई आर एस राइट इसकी चर्चा होगी बड़े प्यारे प्यारे रूट रूटवर्ड्स हैं वी ओ आर भी रूटवर्ड है और वीई आर बी भी, भी रूटवर्ड है तीन तीन रूट वर्ड यहां पे दिखाई दे रहे हैं तो वी ओ आर का मतलब होता है ईटिंग खाना वोरेसियस का इस्तेमाल हम उस इंसान के लिए करते हैं थोड़ा सा ये ट्रिकी है मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं यहां पे लगे हाथी ये पेपर में कई बार आया है इसे मान लो उन्होंने दे दिया ही इज अ ब्लैंक प्लेस और फिर आपको दे दिया रीडर और आपके पास ऑप्शंस क्या हैं एक ऑप्शन आपके पास वेरेसियस है और दूसरा ऑप्शन वोरेसियस है किसके साथ जाओगे बड़ा पुराना क्वेश्चन है बड़े सारे पेपर्स में आया हुआ है वोरेसियस रीडर होता है इस बात को ध्यान रखें अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया वोर का मतलब ईटिंग होता है खाने से जुड़ा हुआ है और बिल्कुल जुड़ा है हमारे मेरे बताने से क्या आपको ही पता है बचपन से ये पढ़ रहे हो कि शाकाहारी को हम क्या बोलते हैं हरबी वोर बोलते हैं हरबी वोर्स मानसाहारी को कार्निवोर्स बोलते हैं सर्वाहारी को क्या बोलते हैं ऑमनी वोर्स तो ये पता है आपको और जो हमारे एस एस के स्परेंट्स हैं आपने देखा होगा पिछले वो कैब बैचेज के अंदर मैंने वोर से कम से कम पैंतालीस पचास शब्द आपको कराए हैं ये वन वर्ड के लिहाज से एस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो खैर तो वोर का मतलब खाना हो गया और जब हम वोरेसियस की बात करते हैं तो आपको लगता है यार रीडर की बात कर रहे हैं हम एक पाठक की बात कर रहे हैं कोई इंसान जो किताबें पढ़ने का शौक़ रखता है तो हम वोरेसियस क्यों लगा रहे हैं क्योंकि वो शौक रखता है इसीलिए तो अगर आपकी कोई भी हॉबी है

आपको यह वर्ड मिला होगा वट इज द दी ऑफ द मैटर वॉट इज द ऑफ द मैटर यानी इस बात की सच्चाई क्या है या वेरीफाई आप बचपन से करा रहे हो सत्यापन यहां पे सब ये वी आर रूट वर्ड आता है और एक बड़ा प्यारा शब्द आता है वेरी वेरी सिमिलिट्यूड सिमिलिट्यूड राइट ये स्पेलिंग में भी कई बार पूछ लेते हैं यानी जो चीज सही मालूम हो लेकिन सही हो ना वेर सच्चा सिमिलर मिलता जुलता एटीट्यूड ऐसे याद रख सकते हो समथिंग सीम्स टू बी करेक्ट बट वो करेक्ट ना हो राइट वो लगता है कि सही है बट सही ना हो वेरी सिम्बलीट्यूड तो खैर अगला एक शब्द और रूटवर्ड क्या था यहां पे वर्ब वर्बोज शब्द लिखा था बड़ा प्यारा शब्द है वर्बोज का मतलब होता है जो जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करे लिखने में या बोलने में उसे वरबोज कहते हैं वर्ब जो शब्द है ये रूटवर्ड है जिसका मतलब ही वर्ड होता है और इसीलिए इंग्लिश के सेक्शन को हम वी कहते हैं इंग्लिश नहीं लिखा होता ना वर्बल एबिलिटी लिखा होता है कि आपकी शब्दों के साथ कितनी योग्यता है वो ये चेक करते हैं अभी संडे को कैट का पेपर हुआ तो जो भी मैनेजमेंट एग्जाम्स इंग्लिश नहीं लिखी जाती आपकी इंग्लिश की टेस्टिंग नहीं है यहाँ पे मैंने इसीलिए कहा कि हो सकता है कोई इंग्लिश में मास्टर्स हो उसकी एम हो और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर न कर पाए जबकि एक नॉर्मल बी का स्टूडेंट जो है वो क्लियर कर सकता है बिकॉज ये वर्बल एबिलिटी की टेस्टिंग है कि आप शब्दों के साथ कितने अच्छे हैं ठीक है ना तो इसी को हम एबिलिटी कहते हैं वर्बोज और एक शब्द और कौन सा रूट वर्ड दिखाई दिया था मुझे यहां पे? हाँ जी versatile तो वर्स का मतलब होता है टर्न करना वहीं से आता है इनवर्जन कन्वर्जन डाइवर्जन जो रोड पे लिखा होता तो है डाई का मतलब दो वर्स का मतलब उड़ जाओ यानी दूसरी तरफ मुड़ जाओ तो वहीं से आता है आपके पास कौन सा शब्द जो यहां पे वर्ड लिखा है वर्जन के साथ वर्सेटाइल यानी जो हर तरफ मुड़ जाए यानी जो वर्सेटाइल सिंगर है वो हर तरह के गाने गा सकता है वर्सेटाइल एक्टर है हर तरह का रोल निभा सकता है तो ये था क्वेश्चन आपका देखो जवाब ऑलरेडी लिखा हुआ है वेरी कन्विंसिंगली डिफरेंट रोल्स डिफरेंट रोल्स तो इसका मतलब वो वर्सेटाइल है और वर्चुअस का मतलब सबको पता है वर्चुअस पर्सन वर्चुअ से भरा हुआ ये भी उसी कैटेगरी के क्वेश्चन है जो लेवल टू था हमारा लेवल टू के ही ये भी क्वेश्चन है अगेन मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं आप देख लीजिए क्वेश्चन और फिर हम इनके ऊपर बात करेंगे सिंगल फिलर के क्वेश्चन है पहली क्लास भी है जो भी वोकैब का लेवल है उसकी टेस्टिंग चल रही है इफ यू डिस्क्राइब सम वन एज यू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर ऑल द यू मे बी अफ्रेड ऑफ हर एज वेल देखो खुद अपने आप में एक तरह से ये डिफाइन कर गया यानी ब्लैंक प्लेस में जो आप लिखेंगे उसके वो कौन होगा वो उसी सेंटेंस में बता रहा है इफ़ यू डिस्क्राइब सम वन एज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है री डाउटबल इफ यू डिस्क्राइब सम वन एज री डाउटबल यू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर ऑल दो यू बी यू मे बी अफ्रेड ऑफ हर एज वेल अब जरा इस शब्द को ढंग से समझ लीजिए आप री डाउटबल का मतलब क्या होता है एक तरह से सामने साफ साफ लिखा भी है कि कौन है ये यानी कोई इंसान जिसके लिए आपके मन में बड़ी इज्जत भी है और आप उससे डरते भी हैं और ये स्पोर्ट्स में बड़ा इस्तेमाल होता है मान लो आप कोई कोई गेम खेल रहे हो और उसमें जो आपका ओपोनेंट है वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो जब अच्छा खिलाड़ी होगा तो जाहिर तौर पे आपके मन में उसके लिए क्या होगा ग्रेट रिस्पेक्ट भी होगा और आप उससे डरेंगे भी कि भाई मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा मैचेस खेले हैं इसने तो डर भी लग रहा है और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी है तो ऐसे कोई हम क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रीडाउटल याद रहेगा आप जिंदगी भर आपको का मतलब होता है नेगेटिव uh, शब्द है अ काइंड ऑफ ऑफेंसिव स्मेल मतलब जो चीज अच्छी नहीं है डिस्पिकेबल है uh, उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं परफंक्ट्री आपके इंटरेस्ट के लिए आता है कई बार इस शब्द को लेकर के भी मैंने चर्चा की है यूट्यूब के भी कई सेशंस में कि भाई इन शब्दों में जरूर ध्यान दें आप ये कंफ्यूज कराए जा सकते हैं अनइंटरेस्टेड डिसंटरेस्टेड एंड परफंक्ट्री याद रखिए तीनों के तीनों शब्द आपके इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं ध्यान से सुने बहुत सारे लोग अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड में कंफ्यूज होते हैं अनइंटरेस्टेड का मतलब नॉट इंटरेस्टेड होता है और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस्ड यानी आप निष्पक्ष हैं किसी भी पार्टी में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे लेकिन परफंक्ट्री का मतलब होता है सुपरफिशियली इंटरेस्टेड होना यानी सतही तौर पर कोई काम करना सुपरफिशियली इंटरेस्टेड होना ठीक है अब जैसे मान लो आप ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने आज तक तो कोई पेपर नहीं देखा है ना तो आपको सिलेबस का पता है तो ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कि यू आर प्रिपेरिंग फॉर दैट एग्जाम परफेंटैरली अदरवाइज इफ आई एम रियली सीरियस अबाउट एनी एग्जामिनेशन एट लीस्ट मुझे उसके पेपर का लेवल पैटर्न इन सब की थोड़ी तो जानकारी होगी जैसे कई बार बच्चे क्लास में आ जाते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता कौन सा सेक्शन पूछा जाता है या क्या सिलेबस है तो उनको लगता है कि सब सामने वाला इंसान बताएगा वो तो खैर बताएगा ही बट बत ये जरूर पता लग रहा है आपके ऐसे सवाल से कि आप लिटरली तैयारी करने नहीं आए आप सबको तैयारी करवाई जा रही है आपको तैयारी करवाई जा रही लोग तैयारी कर रहे थे लोगों ने कहा कि चलो तुम भी कर लो तैयारी बहती न, गंगा में हाथ धो लो आ गए आप भी आपको वो नहीं करना है आपसे करवाया जा रहा है तो हमारे सवाल कई बार ये बता देते हैं कि हम कोई काम अपने जेन्युन इंटरेस्ट से कर रहे हैं या जस्ट फॉर द सेक फॉर द हेक ऑफ डूइंग दैट करने के लिए कर रहे हो तो परफंक्ट्री बिहेवियर जो है वो सुपरफिशियली इंटरेस्ट शो करता है और प्रोलिक्सिटी अभी हमने वर्ड किया था ना वर्बोस, वर्बोसिटी वर्बोस। प्रोलिक्सिटी वही होती है वर्ड के साथ ही ये शब्द जुड़ा हुआ है जरूरत से ज्यादा शब्द प्रोलिक्सिटी अगला है मेनी आइटम्स मेड ऑफ आइवरी वर फ्रॉम अ डीलर इन एंटीक्स बाय द कस्टम्स अथॉरिटीज एट द डेली एयरपोर्ट अब मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन सब कर लेंगे और यहां पे जो अभी आपको टर्म बताया मैंने यूसेज के लिए कॉलोकेशन ये सर नो ये सबके करेक्ट हैं आप अखबार पढ़ते हैं सुनते हैं न्यूज तो आपको पता है कॉन्फिस्केटेड के अलावा यहां पे कुछ और नहीं आने वाला कस्टम्स के लोग कॉन्फिस्केट करते हैं राइट right सामान जिसके टैक्सेस नहीं चुकाए गए हों जो छुपा के लाया जा रहा हो जिसके बारे में बताया डिस्क्लोज नहीं किया गया वो सामान को जब्त कर लेंगे कॉन्फिस्केट कर लेंगे हाईजैक नहीं करेंगे हाईजैक प्लेन हाईजैक करने के लिए आता है और ना तो अप्रोप्रिएटेड होगा ना तो अनेक्सड होगा जोड़ लेना कब्जा कर लेना अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है करेक्ट किया होगा word, जब आप में देखते हो, कहीं भी पढ़ा होगा तो एपडिकेट शुरुआती शब्द है और एपडिकेट का मतलब होता है राजगद्दी त्याग देना तो सेंटेंस साफ साफ कह रहा है कि प्रिंस फिलिप हैड टू चूज प्रिंस फिलिप को दो में से चूज करना पड़ेगा या तो मैरी द वुमन ही लव्ड यानी जिस महिला को उन्होंने प्यार किया उससे शादी करें और फिर उनको क्या करना पड़ेगा एबडिकेट हिज राइट टू द थ्रोन गद्दी के लिए जो उनका अधिकार है उसको उन्हें त्यागना पड़ेगा या दूसरी चॉइस क्या है आर मैरी लेडी फाइना एंड इनहेरिट द क्राउन तो ये खुद ही बता रहा है कि दूसरी चॉइस जब इनहेरिट द क्राउन की है कि राजगद्दी मिल जाएगी तो पहली चॉइस क्या होगी राजगद्दी को त्याग देना या तो उस महिला से शादी कर लो जिसको प्यार कर रहे हो तो तुम तुम्हें फिर राजगद्दी त्यागनी पड़ेगी या इनसे शादी कर लो तुम्हें राजगद्दी मिल जाएगी तो so, abdicate इज अ राइट वर्ड reprimand डांट फटकार लगाना है extol बड़ा प्यारा शब्द है इसका मतलब होता है जब आप इफ यू आर एक्सटॉलिंग समवन मतलब आप भर भर के उसकी तारीफ कर रहे हैं और praising that person enthusiastically एंड अगला क्या शब्द है, विनोइंग ये खेती किसानी से जुड़ा हुआ शब्द है, विनोइंग की प्रक्रिया क्या होती है व्हाट इज विनोइंग एनीवन जब अनाज को आप भूसे से अलग कर रहे होते हैं तो दैट इज जो सूप का काम है कबीर साहब के दोहे भी हैं उसके ऊपर तो तो सब मशीनें आ गई तो वही अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं आइए आगे बढ़ते हैं आ, ये लास्ट थ्री क्वेश्चन है लेवल टू के लिए फिर हम लेवल थ्री पे भी पहुंचेंगे थोड़ी सी समझ और चाहिए होगी वहां पे आइए जी एक मिनट का समय आफ्टर सिटिंग इन द सिंक फॉर सेवरल डेज द डर्टी फूड एनक्रस्टेड क्रस्टेड बिकेम after making remarks to the president the reporter was not invited to return to the white house press room the authorities fearing oh, of their power called for a military state in the hopes of restoring order. you have a minute for this malodorous emphatic imposing perforated Shabdubi Asane. लेवल वन है बेसिक शब्द है हमारे पास हॉस्पिटेबल इर रेवरेंट एंटरप्राइजिंग सब वर्जन प्री प्रीडिलेक्शन एंड इन्फ्यूजन नीतू मैंने अभी बताया कोर्स लगभग दो महीने में पूरा हो जाएगा दो से सवा दो महीने लग जाते हैं ढाई महीने भी हो सकते हैं क्योंकि हम कंटेंट पे कभी समझौता नहीं करते वो ज्यादा ही आपको मिलता है तो डिटेल्ड वो कैप का ज्ञान प्लस बिल्कुल ग्रेडेड पैटर्न में लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के सब क्वेश्चन करके जाओगे बहुत ज्ञान मिलेगा इस बैच में हां जी करेक्ट ऑप्शन आर वेरी गुड ऑप्शन आ चुके हैं तो अब देखो खुद सेंटेंस खुद बता रहा है सिंक में कई दिनों तक गंदे बर्तन पड़े हुए हैं आफ्टर सिटिंग इन सिंक फॉर सेवरल डेज द डर्टी फूड एंड यानी उन उन डिसेज में उन बर्तनों में जूठन भी बड़ी हुई है अब आप अगर छोड़ के चले जाए अपने घर पे जूठे बर्तनों को सिंक में डाल के और एक हफ्ते बाद लौटें तो उसमें से क्या आएगी भाई बदबू ही तो आने वाली है

बट स्टिल और अगर रूट वर्ड का उतना एक्सपोजर नहीं है तो आपको मिल जाएगा अगली दस क्लासेस में जैसे मैंने बोला हम रूट वर्ड पे काम कर रहे होंगे और उसमें एक्सटेंसिवली जितने इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं उनकी चर्चा करेंगे सो so दैट कि आप कनेक्ट कर पाए शब्दों को तो उनमें आपको फिर की नजर आने लगता है हर शब्द में आप रूट वर्ड पहचानने लगते हो और शब्द का सेंस निकाल पाते हो तो बाकी किसी शब्द का कोई लेना देना भी नहीं इंपोजिंग शब्द बड़ा आसान है इम्फेटिक भी आसान है परफोरेटेड क्या होता है जिसमें टाइनी ओपनिंग जैसे परफोरेटेड सीट्स होती हैं आजकल गाड़ियों में जो आपकी एक फीचर आता है ना कि हीटेड सीट्स होती हैं तो सीट्स में छोटे छोड़ छोटे होल्स बने होते हैं वही परफोरेशन है आफ्टर मेकिंग रिमार्क्स टू द प्रेसिडेंट अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं अभी मैंने एक टर्म डिस्कस किया था कॉनोटेशन और आपको बताया था ये शब्द का एटीट्यूड होता है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो वर्ड हमें फिल करना है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई मुश्किल है ये बताने में कि सर साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव ही होगा क्योंकि उस इंसान ने जिस तरह के रिमार्क्स पास किए हैं प्रेसिडेंट के लिए वो नेगेटिव होंगे तभी तो रिपोर्टर को इनवाइट नहीं किया गया व्हाइट हाउस प्रेस रूम में यानी उसने कुछ ऐसी बात प्रेसिडेंट के लिए कह दी जो बात ऑफेंसिव थी जो बुरी लगने वाली थी और उस बात के लिए कौन सा शब्द लगाओगे इर रेवरेंट अगेन देखो ग्रामर की मदद रेवरेंट शब्द या रेवरेंस वर्ड आपने सुना है या रिवियर सुना है तो आप तुरंत कनेक्ट कर लोगे कि यार रेवरेंस इज्जत होती है आप किसी को रेवरेंस दे रहे हैं आप उसको इज्जत दे रहे हैं तो इेवरेंट जो हो गया वो आई आर लगा करके ये प्रेफिक्स है पी का की पावर ये नेगेटिव वर्ड हो गया यानी उसके रिमार्क्स कैसे रहे होंगे इरेवरेंट रहे होंगे और वैसे भी आप देखो तो बाकी के वर्ड पॉजिटिव है शिवेलरस का मतलब क्या होता है शिवेलरी इज जेंटल जब जेंटलमैन वाला बिहेवियर है आपका ये पॉजिटिव शब्द है है, बड़े वेलकमिंग है, शब्द है, बिल्कुल नहीं होगा यह सब फायदा होता है पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट तो, अगला है फियरिंग ऑफ देयर पावर अगेन बड़ा आसान सा क्वेश्चन सब वर्जन देखो यहां पे भी वही वर्स रूट वर्ड आ गया जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कन्वर्जन डाइवर्जन परवर्जन इनवर्जन वैसे ही सब वर्जन और सब वर्जन का मतलब होता है तख्ता पलट यानी जिसकी अथॉरिटी है जो शासन में है उसके तख्ता का पलट कर दिया जाए सो द फियरिंग अ दिटीजन ऑफ देयर पावर कि उनकी पावर को सबवर्ट कर दिया जाएगा कार्ड फॉर अ मिलिट्री स्टेट इन द होप्स ऑफ रिस्टोरिंग ऑर्डर तो फिर वहां मिलिट्री स्टेट आ जाती है एक बड़ा प्यारा वर्ड और आता है यहां से आप जहां जहां इस तरह का होता है वहां ये वर्ड आपको सुनने को मिलता है दिस इज कॉल्ड कू याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड कू इट्स नॉट कूप There is is another word that is called coupe. So coupe coupe So like roof liner, coupe, two seater sports car को कहते हैं और ye कू होता है कू का मतलब तख्ता palat प्रिमॉनिशन यानी पहले से जब आपको किसी बुरी घटना का आभास हो जाए infusion में फ्यूज रूट वर्ड है फ्यूज का मतलब फ्लो infusion फ्यूजन ऑफ मनी इन system आप सुनते हो इनफ्यूजन रिफ्यूज डिफ्यूज और प्री डिलेक्शन का मतलब उधर आपका झुकाव हो रुझान हो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास ये चार क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये थोड़ा सा लेवल अप हुआ है यहां पे यहां पे शायद वोकेबलरी आपके लिए थोड़ी सी नई हो पीछे वाले के मुकाबले हाँ जी नीतू सारा सब्जेक्ट साथ कंप्लीट होता है सभी की क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग है बिल्कुल साथ कंप्लीट होगा आदित्य वही सही कर रहे हैं बच्चे वो कैब का बैच है तो कुछ और नहीं सही करेंगे यहां वो कैब ही सही करेंगे यहां किसी और सब्जेक्ट की चर्चा किसी और टॉपिक की चर्चा होनी नहीं है आज पहली क्लास है यहां पे हम इसीलिए अपने को आईना दिखा रहे हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं किस लेवल पे हम फंसे देखो पहले में लिखा है यानी ईमानदारी का लेवल जो है हमारे देश में अलार्मिंगली डिक्लाइनिंग बहुत तेजी से मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है अब मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर क्या हैं वो तो जाहिर तौर पे यहां पे एक ऐसा अब मैं अगर आपसे पूछूं पॉजिटिव वर्ड चाहिए कि नेगेटिव वर्ड चाहिए सबसे पहले ये सोचना है हमें तो यहां पे हमें साफ दिख रहा है यार नेगेटिव चाहिए जब हम ऑनेस्टी का लेवल गिर रहा है अभी न्यूज में भी सुना होगा आपने एक से चीजें निकल के आती हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के छापे Uh, कर्नाटक में पढ़ रहे थे तो बड़े सारे अधिकारियों के घरों से मतलब एक के तो पाइप से पैसे निकलते हुए पाए गए तो वही यहां पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि ज्यादातर जो है वो क्या है वर्बोज़ है वर्बोज़ तो अभी आपने देखा है जो ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करे उसके लिए इस्तेमाल होता है राइट उजरी का मतलब क्या होता है ये इसका मतलब होता है कि जब आप बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को कर्ज दें राइट ये खासतौर से क्रिमिनल लोग भी आपस में करते हैं हवाला ट्रेडिंग ये वो अंडरवर्ल्ड उस तरह की लेन क्योंकि एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब आप किसी को पैसे दें तो अदरवाइज uh, आप पैसे बैंक से ले सकते हैं लेकिन जहाँ पे इस तरह की घपलेबाजी है या आप गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं उस तरह के लेन देन के लिए हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं अब अगला शब्द आया है वीनल और दूसरा है वलपीन अब मैंने यूट्यूब uh, पे भी सेशंस में अपने youtube चैनल पे भी ये सेशन ले रखा है आपको वो क्या बैचेस में पढ़ाया है आई एन ई जो ये सफिक्स लगता है इसका मतलब लाइक like होता है और वल्पीन का मतलब क्या होता है वल्पीन का मतलब होता है फॉक्स लाइक -like. लोमड़ी जैसा जैसे बोबिन का मतलब काउ लाइक -like, जैसे पिसीन का मतलब फिश लाइक -like, जैसे कैनन का मतलब डॉग लाइक -like, वैसे वल्पीन का मतलब फॉक्स लाइक -like. लेकिन जैसे आप पंचतंत्र की कहानियों में देखते हैं ना बचपन में पढ़ी होंगी और जैसे के में भी पंचतंत्र कहानियों से बड़े सारे वो उद्धरण लेते रहते इलस्ट्रेशंस लेते रहते तो वहां पे आपको देखने को क्या मिलता है कि भाई जानवरों के जरिए वो अलग अलग मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करते हैं एनिमल्स के जरिए उनकी स्टोरीज के जरिए तो अगर उन एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक इंसानों से मिलती है तो इंसानों के लिए भी वो शब्द इस्तेमाल हो जाता है यानी अगर कोई इंसान जो है वल्पीन होगा इसका मतलब वो बड़ा ही शातिर होगा बड़ा चालाक होगा क्योंकि हमने क्या लिखा है फॉक्स लाइक -like, और बचपन से हमने चालाक लोमड़ी की कहानियां सुनी है यानी वलपीन अगर किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके ट्रेड्स उसकी पर्सनैलिटी के करेक्ट्रिस्टिक्स को बताने के लिए तो इसका मतलब हम उसके शातिरपने की तरफ इशारा कर रहे हैं क्यों बड़ा ही शातिर आदमी है श्रयड आदमी है चालाक है शातिर है कनिंग है धूर्त किस्म का इंसान है राइट तो उसके लिए इस्तेमाल होता है वलपीन श्रयूड या इसी के लिए कनिंग बहुत बेसिक शब्द है कनिंग नेचर का आदमी है या मैक्यूवेलियन शब्द है निकोलो मैकिवेल के नाम से आता है मैक्यूवेलियन ठीक है ना तो ये सब कनिंग और शातिर लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और वीनल का मतलब क्या होता है वीनल का मतलब होता है करप्टिबल करप्टिबल बहुत सारे लोग इसको करप्ट करप, मतलब करप्टिबल की जगह पे करप्ट सोच लेते हैं ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए और करप्टिबल और करप्ट में फर्क होता है देखो करप्ट और इबल सफिक्स है जहां भी इबल या एबल लगा होता है उसका मतलब योग्य होता है तो करप्टिबल का मतलब इसको करप्ट बनाया जा सके आसानी से हु कैन बी इजिली ब्राइब्ड राइट जिसके जिसके ईमान कमजोर हैं और शुरू में हो सकता है ना नानू कर करे वो ब्राइब लेने से लेकिन आप थोड़ा सा प्रेशर बनाए अरे साहब कोई बात नहीं बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिएगा मिठाई के लिए है ऐसे बोल करके लोग पकड़ा देते हैं घूस और वो आदमी फिर वो घूस ले भी ले तो उसको कहा जाएगा वीनल और उसी की यहां पे जरूरत थी कि मोस्ट ऑफ दॉल मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल टूडे आर वीनल करप्टेबल यानी उन्हें करप्ट बनाया जा सकता है पूरे मौके होते हैं तो दैट इज द करेक्ट वन अगला क्वेश्चन देखो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एन इन्वेस्टिगेशन दैट इज कैन ओकेजनली ईल्ड न्यू फैक्ट इवन नोटेबल वंस बट टिपिकली द अपियरेंस ऑफ सच फैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ सर्च इन अ डेफिनेट डायरेक्शन अब इस क्वेश्चन के अंदर ग्रामर का भी इस्तेमाल देखिए अकेजनली एंड टिपिकली प्लस यहां पे लिखा हुआ है बट ठीक है और यहां पे लिखा है सर्च इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इतने हिंट हैं इस क्वेश्चन के लिए अब आपने पता नहीं जो भी जवाब दिया है क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें एक इन्वेस्टिगेशन दैट इज और उस दैट कीज के लिए आपको ये एडजेक्टिव लगाने पड़ेंगे कि जो टाइमली इन्वेस्टिगेशन है अनगाइडेड इन्वेस्टिगेशन है कंसिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन है है या कॉम्प्लिकेटेड वो कभी कभार नए फैक्ट्स देता है का मतलब क्या हो गया कभी कभार इवन नोटेबल वंस हो सकते हैं कि वो नए फैक्ट्स जो मिल रहे हैं आपको उस जांच की प्रक्रिया के जर, जरिए वो नोटेबल्स वंस हैं काम के लायक भी हैं बट टिपिकली टिपिकली का मतलब क्या होता है जनरली बट जनरलीस ऑफ सच फैक्ट ये सच किसकी तरह इशारा कर रहा है नोटेबल यानी जो काम के फैक्ट्स आपको मिलते हैं जनरली वो किस तरह की जांच से मिलते हैं इज द रिजल्ट ऑफ अ सर्च इन डेफिनेट डायरेक्शन और जब आप एक डेफिनेट डायरेक्शन में जांच करेंगे तो वो कैसी आपकी सर्च होगी वो गाइडेड होगी वो एक निश्चित दिशा में हो रही है और यहां पे लिखा है बट बट काम क्या करता है ट्रांजिशन का बट से पहले अगर पॉजिटिव है तो बट के बाद नेगेटिव होगा बट के पहले नेगेटिव है तो बट के बाद पॉजिटिव होगा तो बट के बाद क्या लिखा है कि टिपिकली जो काम के लायक आपके जानकारियां होती हैं वो किसका रिजल्ट होती हैं वो डेफिनेट डायरेक्शन का होती हैं गाइडेड इसका मतलब उसके पहले किसकी बात होगी अनगाइडेड की अनगाइडेड की और कोई लेना देना यहाँ नहीं है ना तो कॉम्प्लिकेटेड का है ना कंसिस्टेंट का है ना टाइमली का है कि हो सकता है कि भाई आपकी जाँच ऐसी तुक्के पे चल रही हो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जांच नहीं चल रही जांच चल रही थी कई बार तुक्के से काम की चीज भी हाथ लग जाती तो ये इसका मतलब है कि अगर जांच आपकी अनगाइडेड भी है लेकिन कभी कभार अकेजनली लिखा है कभी कभार काम के लायक भी चीजें मिल जाती हैं तुक्के से, से सेट बैठ गया लेकिन जनरली तो काम के लायक जो फैक्ट्स हैं वो एक गाइडेड इन्वेस्टिगेशन से ही मिलती हैं यानी सर्च इन अ डेफिनेट डायरेक्शन तो अब मैं क्या कहा कि ये थोड़ा सा लेवल अब बढ़ रहा है मैनेजीरियल लेवल है यह शायद एस बी पीओ का प्री लेवल है या मेंस लेवल पे भी डाल सकते हो के जहां पे अब आपको थोड़े से सेंटेंस की समझ की जरूरत होगी सेंटेंस में ही उस छुपा हुआ है वो देखो इतने सारे हेल्पिंग हैंड्स थे आपके पास ठीक है तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को हमें यहीं रोकना चाहिए इतने डिस्कशंस काफी हैं क्वेश्चंस तो मैं आज के लिए और लेके आया था बट आज की क्लास के लिए इतना ही तो क्योंकि हमने कोर्स स्ट्रक्चर को डिटेल्ड मैनर में समझाया है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि देखो आप जहां भी कुछ इन्वेस्ट करते हो ना आप इन बैचेस के अंदर क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और मनी तो खैर बहुत आ, मतलब जितना ज्ञान आपको मिलेगा यहाँ पे उस उस मुकाबले तो नेग्लिजिबल अमाउंट फीस रखते हैं हम वैसे भी नॉमिनल फीस होती है हॉल्स खुल चुके हैं दो दोस्तों के साथ चार दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले जाओगे तीन घंटे में जितने में ये सब कुछ पढ़ रहे हो वो पंद्रह सौ रुपए खत्म हो जाएंगे किसी अच्छे जगह पे चले गए शायद दो दोस्त में ही पंद्रह सौ सोहा करके आ जाओ आप बट यहां पे इतने सालों का एक्सपीरियंस नॉलेज जो फैकल्टीज हैं सारे सीजन फैकल्टीज हैं आपको इतनी मेहनत से हम कोर्स कंटेंट क्रिएट करते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कैसे चाहिए आपको आपका लेवल का एहसास करा रहे हैं तो ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है एंड करियर वेल इज नोन फॉर दिस बार बार ये मैं बात बोलता हूँ पी प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पॉइंट पे तो इस मौके का फायदा उठाइए राइट बैच में एनरोल करिए और मैंने एक पिछला सेशन लिया था वहां पे भी ये बात की थी कि आप जैसे कई बार क्या होता है ना कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की अच्छी बात है बट ये ले दे करके आपकी तैयारी से जुड़ा ही हुआ है इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स जो है आपकी तो हर एग्जाम में पूछा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर इंग्लिश कुछ में नहीं पूछा जाता जो ग्रुप uh, डी या थोड़े से लोअर लेवल के एग्जाम्स हैं रीजनिंग और मैथ तो हर जगह पूछा जाता है लेकिन रीजनिंग और मैथ का जो लेवल इस बैच में है और खैर इंग्लिश का जो लेवल वो कैप जो आप पढ़ने वाले हो ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इन सेक्शंस की बढ़ाएगा आपकी मेंटल स्टेमिना को बेहतर करेगा तो अगर आप हल्के लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां तो आपकी जीत एक तरह से तय होती है क्योंकि इन क्वेश्चन को करने से मेंटल स्टेमिना बढ़ती है आप देखिए क्वेश्चन की ग्रेडिंग मैंने कैसे की थी शुरुआत वाले क्वेश्चन जब मैंने कहा थर्टी सेकंड में हो जाएंगे तो वो हो भी जाएंगे जिनके ग्रामर दुरुस्त थे पांच क्वेश्चन लेकिन ये वाले क्वेश्चन मुझे पता है कि उन बच्चों के भी जो शायद थर्टी सेकंड में पहले पांच क्वेश्चन किए हों उनके लिए एक मिनट में भी ये दो क्वेश्चन करना मुश्किल है तो ये ये मैं समझता हूं या हम जैसे जो जो भी आपके मैंटॉर्स हैं ट्रेनर्स हैं कोचेज हैं उनको पता है कि हमारा बच्चा किस लेवल का है उसको कौन सा खाना कब खिलाना है हो सकता है आपको ना पता हो तो आपको वहां तक पहुंचाना है सिलेक्शन दिलाना है तो पूरी तरीके से विश्वास के साथ जुड़े और अपने आप को बेहतर करें राइट तो ये वकैब जो है ये आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाहिर तौर पर बेनिफिशियल होगी आपकी समझ बढ़ेगी अगर आप हल्के लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी समझ अच्छे रहने से क्या बुराई है लैंग्वेज की समझ है जिंदगी में कभी भी काम दे सकती है ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन थैंक यू वेरी मच कंप्लीट कोर्स बेटा ये भी कंप्लीट ही कोर्स है मतलब ये मान के चलो ये भी कंप्लीट ही कोर्स है तो उसके इंतजार में मत रहना आपको मैंने बता दिया कि ये भी करीब साठ घंटे का यहाँ पे भी आपको सिलेबस पचपन से साठ घंटे का मिल रहा है अब इतनी वो कैब आपके लिए पर्याप्त होगी रूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे ही मैंने आपको बता ही दिया कि वो आप एस एस सी तो भी आपको मदद करने वाली है ठीक है ना आप सी की तैयारी कर रहे हो डी आपको मदद करेगी ही करेगी तो उसमें कौन सा हो सकता है पजल आपको एस में नहीं मिलता बट मेंटल स्टेमिना बढ़ेगी तो उससे कोई इंकार नहीं है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर वो कैब का अलग से ले आओ भाई पैकेज इसीलिए लेके आए कि कम प्राइस पॉइंट में आप तक पहुंचे और जो बैंकिंग एक्सपेरेंट हैं वो तो डेफिनेटली इस बैच में एनरोल हों आपके प्री के पेपर्स हो चुके हैं अगले मतलब हो जाएंगे हो रहे हैं कुछ हो चुके हैं कुछ चार तारीख को पेपर है फिर आगे पेपर्स हैं तो अगली तैयारी आपकी मेंस की है उसके लिए पूरे जो स्पेसिफिक बैचेस लेके आए हैं बहुत बेनिफिशियल होंगे ठीक है अगले फाउंडेशन बैच में आपको जो मेंस का पहले एक बैच आएगा हमारा क्योंकि प्री के बाद तुरंत मेंस की जरूरत होगी उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स जुड़ेंगे यानी दो सब्जेक्ट और आ जाएंगे कंप्यूटर्स और आपका बैंकिंग अवेयरनेस जो है राशिद सर और यतेंद्र सर भी साथ में जुड़ेंगे तो वो आपको नेक्स्ट बैच मिलेगा दीप्ति पूछ रही है, सर नोट डाउन कैसे करें दीप्ति ये जो जैसे जो, जो क्लास नोट्स है ना ये जनरली आपको दे दिए जाएंगे जैसे मैंने ये जो क्लास नोट्स है ये आपको मिल जाएगा ठीक है इसकी टेंशन आप मत लीजिए बाकी जो आपको नोट बनाना है वो आप नोट बना सकते हैं जो क्लास में हम प्रैक्टिस शीट देंगे उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसको हम स्टूडेंट नोट बोलते कि मान लो क्लास का डिस्कशन कई बार नहीं कन्वर्ट हो पाया अवेलेबल नहीं है तो आपके पास शीट्स सारी अवेलेबल होंगी जो भी हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे उन सभी की पीडीएफ शीट्स आपके पास अवेलेबल होंगी तो आप बाद में उसको रेफर कर सकते हैं हाँ जी बिल्कुल गोविंद बेसिक से ही बैच चलता है बेटा ये बेसिक की ही बात हो रही थी चलिए तो कल शुरुआत करेंगे हम कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं आज का समय पूरा हो गया है कोई बात नहीं कभी फिर डिस्कस कर लेंगे हम उनको और कल से फिर आपकी शुरुआत होगी कल हम रूट वर्ड का किस तरीके से जाल फैलता है उसको कल देखेंगे और समझेंगे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच